हर इंटरव्यू में आपका नेटिव प्लेस पूना है और माँ का नाम शांति है कहती आई हैं। आपके पिता का नाम या उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, इसकी वजह क्या है बताएंगी? माफ कीजिए, ये मेरा सवाल नहीं है, आपके चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस का सवाल है। आप ही के जैसे मशहूर कामयाब लोग अपनी कामयाबी के पीछे अपने माँ बाप का हाथ बताते हैं, लेकिन आप तो अपने पिता का नाम तक नहीं बता रही हैं। उनके बारे में बताना आपको पसंद नहीं है या आपके पिता कौन है ये आपको? हेलो बेटी अंजलि, मैं हूँ, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में पूछ रहे ना तेरा बाप कौन है, बता बेटी। तू लायर विश्वनाथ की बेटी है, गर्व से बता बेटी। देखो बेटी, अब इस सवाल से तुम बिल्कुल मत डरना, कोई भी पूछे गर्व से बोलो मैं तेरा पिता हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो, फोन पर जो बोला वो सच है, अंजलि मेरा खून है, ये बात याद रखना। बाप होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उस दिन धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ स्वयं कमा लिया, उसका बाप कौन है सिर्फ इसका जवाब नहीं दे पाती थी, और मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। अंजलि मेरी बेटी है, ये बात अब भी मैं न मानूं तो पिता शब्द का मायने खत्म हो जाएगा। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं अब अपनी बेटी के पास जा रहा हूँ। रुक जाइए, अंजलि आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। कहिए, पिताजी जिस राजा का जिक्र किया था ये वही है। नमस्ते सर। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? बालू। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी मौसी है, ये शंकर चाचा। नमस्ते। तुमको कहीं देखा है लगता है। अरे यार, ये तो अंजलि का चाचा ने रेलवे स्टेशन का किस्सा याद आया तो हमें बहुत मारेगा, इससे बच के रहना पड़ेगा। चलो चलो बच्चों, खाना खाएंगे। चल। पिताजी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं बेटी, तुम्हारी शादी की उम्र है, अकेली रहोगी तो कैसे चलेगा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कह रही हूँ पापा, आप लोग यही रहिए। हमारी बात मानो बेटा, चलो हमारे साथ। दीदी हमारे साथ चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन कहाँ जाएगा ये पर्ची तय करेगी। पर्ची तय करेगी, ये आइडिया एकदम ठीक है, डालो डालो। लीजिए चीनी, एक पर्ची उठाओ। अंजलि के घर। देखा ना, अब आप सबको यही रहना होगा। ठीक है बेटी, अब जिद करके क्या फायदा, तुम्हारी मर्जी। राजा ये क्या है, दोनों पर्ची में मेरे घर के बारे में क्यों लिखा? कहीं एक बार फिर से कोई आपको घर से बाहर ना निकाल दे इसलिए। दीदी देखा, भूली हुई बातों को याद दिलाकर अंजलि को हमारे खिलाफ कैसे भड़का रहा है। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो हमारे बीच आग लगा देगा। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए।
क्या भाई लोग क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज क्या? नहीं, हम तो स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग? सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? वैसे भी इसको मैंने कहीं देखा है क्या? साला घूम फिर कर वहीं आ जाता है। देखा है, देखा है। देखा है ना? वैसे भी कहाँ देखा? रामेश्वरम में। 1947 में नमक सत्याग्रह के दौरान आप, गांधी जी और मैं, हम सब लोग मिलकर क्रिकेट भी खेले थे, याद है ना आपको? क्रिकेट खेले थे? अरे तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हुए थे सर। अरे नहीं हुआ था यार। हुए थे सर, आप भी और मैं भी क्रिकेट भी खेले थे। नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा था। कहाँ देखा था? हाँ देखा था। कहाँ देखा था? आपने आईने में देखा था? बिल्कुल सही कहा तुमने, आईने में ही देखा था। लेकिन आईने में देखूंगा तो मैं खुद ही दिखूंगा ना, राजा कैसे दिखेगा? ये तो सोचने वाली बात है। हेलो, इस तरह सोचने से कुछ भी पता नहीं चलेगा सर। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचिए। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचूं? ऐसे। राजा, ये सच में 5-star होटल ही है क्या? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर स्टार नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? स्टार अभी तुम्हें नजर नहीं आएंगे बेटा। तो कभी आएंगे? वेटर जब बिल लेकर आएगा ना, तब तुझे नजर आएंगे। बताना भूल गया था, बैंगलोर की पार्टी ने पैसे भिजवाए, उसे बैंक में। राजा, यहाँ पर भी पैसे की बात करना जरूरी है क्या? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? हाँ राजा, जब देखो पैसे की बातें करते हो, सिस्टर से दो अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? यू डोंट लाइक इट, नो प्रॉब्लम। देखो राजा, मुझसे जुड़ी किसी भी बात का फैसला करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। जब तक तुम मेरे साथ हो, सब तुम ही देखोगे। ओके ओके, फिर भूल गया, मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलो। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? ये खाना कौन खाएगा? तू ही खा ले, भरपेट खाने के बाद जब बिल चुकाएगा ना तो तारे नजर आने लगेंगे, समझाया? जाइए जाइए। तुम दोनों को इस तरह खुशी खुशी एक साथ जाता देखकर मेरी नजर भी तुम्हारे साथ चल पड़ी है। कहाँ जा रही है? हाँ ये अच्छा खेल रहे थे, इसी वक्त फोन आना था। आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो दीदी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ दीदी। बाय द वे, जब मैं लास्ट टाइम इंडिया आया था तब जीजा जी ने मुझे अंजलि से शादी करने के लिए कहा था। अच्छा, अंजलि से शादी करने का मैं दिल से फैसला कर चुका हूँ। क्या सच? हाँ दीदी। ओके, मेरे इंडिया आते ही शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहना। कह दूंगी, रखती हूँ। सुनिए सुनिए जी, क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? बात ही कुछ ऐसी है। हा? संजय का कनाडा से फोन आया था। सुनिए जी, क्या है? हम सब यहाँ आ गए हैं ना, तो अब इस घर में उस राजा का क्या काम? उसे यहाँ से निकाल दीजिए। चेचे, ऐसा क्यों बोल रही हो? अंजलि आज जहाँ है वो राजा के कारण है। कुछ भी मत कहिए, अपनी अंजलि में टैलेंट था, अपनी मेहनत से वो सिंगर बन गई। बीच में उस राजा ने कौन सा बड़ा तीर मारा है? और वैसे भी ऐरे गेरे लोगों को घर में रखकर कितने दिन खिलाएंगे? बंद करो, इस बंगले में वही एक आदमी तुम्हें भारी लग रहा है, और कभी दोबारा बात मत करना। अंजलि सुनेगी तो बुरा मानेगी। हाँ, कुछ भी कहकर मेरा मुंह बंद करवाना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। इस घर में जो भी हो रहा है मेरे खाते सह लो राजा, प्लीज। मैं सब संभाल लूंगी, तुम चुपचाप चलो। और कितनी देर पढ़ोगे आप, सो भी जाओ यार। राजा जी, कहिए। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि राजा जागता होगा। वो क्या है ना राजा, कल सुबह संजय कनाडा से आ रहा है, यहाँ जितने बेडरूम है उसमें हम सोते हैं, तो संजय के लिए कोई बेडरूम। झोपड़ी में रहने वाले अब एसी रूम में रहने लगे, तो फॉरेन से आए हुए संजय को एसी रूम की जरूरत नहीं होगी। जी ठीक है, संजय सर इसी रूम में रह सकते हैं। तुम लोग कहाँ रहोगे राजा? हमारा स्टोर रूम खाली पड़ा है,
उसमें ही रह लेंगे। क्या स्टोर रूम में? इसमें बुराई क्या है? इनके लिए स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, क्यों है ना राजा? बिल्कुल, हम स्टोर रूम में रह लेंगे। देखो राजा, कहीं मैंने आप लोगों को जबरदस्ती रूम से निकाल दिया, ऐसा अंजलि को लगेगा, इसीलिए अगर वो पूछे तो। हमें इसी में तकलीफ होती है, इसलिए हमने रूम खाली कर दिया, ऐसा कह दूंगा। मैंने कहा था ना, राजा बहुत अच्छा इंसान है। हाँ दीदी। मुझे लगता है कि इस घर के लोग अंजलि का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। हेलो संजय। हाय जीजा जी, आप ठीक है ना? हेलो जीजा जी। हाय अंजलि। हाय। तुम कैसे हो नहीं पूछूंगा, क्यों पता है? क्योंकि मैं फॉरेन में रोज तुम्हारे गाने सुनता था। थैंक यू। वेलकम। ए संजय बाबू आ गए, चल। रुको, कहाँ जा रहे हो? संजय बाबू आए हैं। पहली बार अंजलि और संजय एक साथ इस घर में कदम रख रहे हैं, इस तरह उनके सामने जाने से किसी का कुछ भला नहीं होगा। आज से अंजलि के आगे पीछे मंडराते मत रहना। संजय पूछे तो कहो मैं मैनेजर हूँ। चलो। कम 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 मॉन। क्या रे लड्डू, ठीक से पढ़ रहा है ना? वाओ। हे यू आर राजा। हाय राजा। मेरे हाथ नो प्रॉब्लम यार। हाय बालू। बाय द वे, तुम्हारे गणेश भगवान कैसे हैं? तो क्या गणेश भगवान इसी घर में सेटल हो गए? जाने दीजिए ना। राजा, तुमसे और भी बातें करनी है, बातें मिलते हैं। ओके बाय। संजय, ये लायंस क्लब वाले ने डिजाइन किया है। हाउ इज इट? या इट्स फाइन। राजा, मिर्ची के पकोड़े बनाने में तुम एक्सपर्ट हो ना? मेरे लिए बनाओगे ना? हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। ये क्या राजा, ये सब इन्हें कैसे पता? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। चल चल। हाँ। Come in. Hey, राजा। वाव, इतनी जल्दी बना दिया। कम कम। क्या टेस्टी है। Just like your heart. अरे अभी पानी लेकर आता हूँ। राजा राजा, कम कम कम। पानी नहीं चाहिए। दारू। दारू चाहिए। दारू? और नहीं तो क्या, ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े खाते वक्त साथ में दारू मिल जाए तो कितना मजा आएगा पता है? जाओ जल्दी से एक विस्की की बोतल लेकर आओ, और हाँ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अंजलि को। ओके या बी केयरफुल। ठीक है। बिकॉज की स्पेलिंग क्या है? लेकिन क्यों नहीं करते? BECA भैया, मैं पागल नहीं हूँ भैया, कल्याणी के गले में मंगलसूत्र नहीं है। पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। हाँ, पकड़े जाओगे। हाँ, पकड़ लिए जाओगे। अफ, वो बच गया। उसे देखो तो, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा के ले जा रहा है। और क्या होगा दीदी, दारू की बोतल होगी। अगली बार ठीक से बोलना। सुनो बेटी,
तुम समझती हो कि राजा बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपनी मनमानी करता फिरता है। क्या किया उसने? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तू बता। क्या बताऊं अंजलि, घर में इतने सारे लोग होते हुए भी शराब की बोतल संजय के रूम में लेके जा रहा था। अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो पता नहीं आगे। आगे तुम्हारी मर्जी, चलो जया। बैठो। हाँ, चेयर पर बैठो। कोई बात नहीं सर। कम ऑन, हैव इट। नहीं सर। पी लो यार, सिर्फ आज के दिन, मेरी कंपनी के लिए। नहीं सर, अंजलि जी को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। अंजलि को मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, पी लो। सॉरी सर, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथ काटने के लिए कहेंगे तो हाथ काट लूंगा, ऊपर से कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाऊंगा, लेकिन इसे पीने के लिए मत कहिए सर। इट्स ऑल राइट। अच्छा, एक गाना तो सुनाओ। गाना और मैं? ए, नहीं सर, तुमने अभी तो काम, मेरे लिए कुछ भी करोगे? गाओ। ठीक है। दिल पे मेरे प्रिय तूने आ आ ई ई लिख दिया, तना ना 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 ने ना ने ना ने ना 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 तना रे तना ना 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 या 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 है तना ने तना। The house in the village। तुम पढ़ती रहो। दिल पे मेरे प्रिय तूने आ आ ई ई लिख दिया, प्यार का आल बर्ड्स मेरे दिल में भर दिया। इधर देखो, प्यार तुझको भी हो गया है हया हया है। दिल पे तुम पढ़ती रहो, मैं अभी आई। तूने लिख दिया हे तना ना 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 ना। ये मेरा घर है, मच्छी मार्केट नहीं है। बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, इतनी समझ नहीं है आप में? ये क्या बदतमीजी है? इतने बड़े होकर भी छोटे छोटे बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं। किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, शराब मैंने पी है। मैंने उसे कितना कहा मगर वो पीने से इनकार करता रहा। पता है किस लिए? क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं लगा। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, नहीं भक्ति करता है। राजा की नजर में तुम एक देवी हो। गलती मैंने की है, जो कहना मुझे कहो, उसे कभी कुछ मत कहना। क्यों पता है? तुम्हें दुख हो तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। कौन है तू? बुली नंबर वन। इसका मतलब बिना पूछे किसी का भी सामान उठा के ले जाएगा, लूटने का इरादा है क्या? ओ साहब, इज्जत से बात कीजिए। सामान उठाने के लिए आपको कुली चाहिए और हम कुलियों को सामान, अगर मेरी जरूरत नहीं है तो खुद ही उठा लीजिए। मैं क्यों उठाऊं? ए कुली, कुली, ए कुली, ए कुली, इधर इधर। यहाँ एक कुली जिस सामान को छू लेता है उस सामान को कोई दूसरा कुली नहीं छूता है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम ही उठा लो। एक बात बताता हूँ, याद रखिए सर, बीड़ी पीने से धुआं निकलता है, धुएं से बीड़ी नहीं सर। इंसान को इंसान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ? सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तू तो बातें बड़ी अच्छी करता है रे। मैं तो काम भी कमाल का करता हूँ सर। आइए। ऑटो चाहिए, टैक्सी? आटा। ए ऑटो। ए चल इधर आ। आजा 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 आजा, ये पकड़, अंदर डाल दे। आ, आ रहा हूँ। हाँ जल्दी कर। ये भी अंदर रख। हाँ संभाल के। कितने पैसे हुए? आप समझदार हैं सर, सोच समझ कर दे दीजिए। ये लो भाई, 25 रुपए। 25 रुपए ज्यादा है सर, 10 रुपए काफी। हाँ हाँ हाँ, आज के जमाने में भी तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग हैं हमारे देश में तो। अरे ये क्या, ऑटो वाला हमारा सामान लेकर रुक गया। ऑटो ऑटो ऑटो, ए रुक जा, ऑटो ऑटो। अरे वो चला गया। अरे जल्दी उसको पकड़ो, मेरा सामान दिलाओ। आप यहीं पर रुकिए सर, मैं आपका सामान लेकर आ रहा हूं। लेकिन जल्दी आना भाई। रुक। अरे भाई जल्दी आना। हे भगवान, मेरा सामान नहीं मिला तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। फिकर मत कीजिए, मैं जल्दी। अरे जल्दी आना भाई। अरे मेरी साइकिल, हे भगवान मेरी साइकिल, चोर चोर। भाई वो चोर नहीं है यार,
तुम्हारी साइकिल लेकर चोर को पकड़ने गया है, वापस आकर दे देगा। पक्का आएगा ना? क्यों नहीं आएगा, सुनो पता है कौन है वो? कूली के रूप में हीरा है वो। हाँ? एक बात बताता हूँ सुन लो, बीड़ी जलाने से धुआं निकलता है। हाँ? धुआं से बीड़ी नहीं निकलती भाई। हाँ? इंसान को इंसान पर भरोसा करना चाहिए। अरे मेरी ऑटो कहाँ गई? तो क्या ऑटो भी उनकी नहीं है? दोनों मिलकर चोरी कर गए क्या? जय श्री कृष्ण, मुरली मनोहर, गोविंदा 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 गोविंदा। भक्तजन, गोकुल में कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है, हम उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सर। गोकुल में कृष्ण जी का मंदिर? वहाँ तो मंदिर है ना? हाँ, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम प्राइवेट में उसके बाद में एक मंदिर बना रहे हैं। आप सवाल मत कीजिए, चुपचाप चंदा दीजिए। कैसा जमाना आ गया है। इन सज्जन की तरफ से 10 रुपए। गोविंदा गोविंदा। इस पतिव्रता स्त्री के 5 रुपए। ऑटो में बैठे हुए भक्त, हम छोटे मोटे पंडित नहीं है, इसलिए आपके मन से एक छोटा सा चंदा इसमें डाल दीजिए। मैं एक बड़ा पंडित हूँ, आपके मन से बड़ा सा चंदा इसमें डाल दीजिए। ये क्या है भाई? इस धंधे में आकर कितने दिन हुए? 3 साल। मुझे इस धंधे में कितने दिन हुए पता है तुम्हें? 7 साल। 7 सालों से लोगों को बेवकूफ बनाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तुम लोगों की अपने ही गुरु को शेंडी लगा रहे हो। हाँ, इस बार तो तुम लोगों को मैं क्षमा कर देता हूँ, दोबारा यहाँ मत दिखना। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। बाप रे, वो साला तो अपना भी बाप निकला यार। शुक्र करो कि पैसे वापस लेकर गया। कहाँ जा रहे हो हैं? इस खत्री भास्कर राव के आंख में धूल जोकर भागना चाहते हो? सुबह पुलिस स्टेशन में आकर गुड मॉर्निंग बोलकर मेरा ही बटवा लेकर भाग गए। चलो पुलिस स्टेशन में चलो। चलो। अरे नहीं यार, बेचारा अपना ये भास्कर राव बाल बच्चों वाला आदमी है। अब ये क्या नया नाटक है? तो क्या हुआ, चलो। ओफो, मत जाओ यार, अब तुम किसी राक्षस से कम नहीं हो। राक्षस से कम नहीं हो, इसका मतलब क्या है? नहीं यार, एक मामूली आदमी पर ब्रह्मास्त्र किस लिए? ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ठीक से बताओ, टेंशन मत दो। मेरे पास बेल्ट बॉम्ब है, बटन दबाते ही खत्म। गोविंदा गोविंदा। हे भगवान, आपके नाम से हमने पैसे इकट्ठे किए, अगर इसमें से आपका हिस्सा नहीं दूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये व्यापार भी तो नहीं है कि अपने हाथ से भगवान का हिस्सा निकाल कर दे दे। सही कहा, एक भक्त और भगवान के बीच का संबंध वो होता है जो एक दिए और तेल का होता है। So, something I will do for you, God. भगवान, इसके अंदर जितना पैसा है सब आप ही का है। इस चौरस में जो पैसा गिरेगा वो आपका होगा, और उसके बाहर जो चिल्लर वगैरह गिरेगा वो मेरा होगा। गोविंदा 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 गोविंदा। यू वॉन्ट ओनली 1 रूपी? गॉड इज ग्रेट। ना ना ना, वाह वाह। भगवान, मेरा मित्र बड़ा ही अज्ञानी है, मैं ही आपका अच्छा भक्त हूँ। I will do much more for you. मतलब ये पैसे मैं ऊपर फेंकूंगा भगवान, आपको जितने चाहिए रख लेना, और जो थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा वो मैं रख लूंगा, वही मेरे लिए महाप्रसाद होगा भगवान। रेडी भगवान, रेडी? गोविंदा गोविंदा। आप कितने दयालु हैं भगवान, 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा और सारा पैसा मुझे लौटा दिया। आ हा हा, गॉड इज डबल ग्रेट। यार सुनना, फिर सपनों में खो गया, पता नहीं इसके सपने कब पूरे होंगे। क्यों चाचा, भाड़ा कब दोगे? बेटा, 2-4 दिनों में तुम्हारा भाड़ा मैं फूल के साथ दे दूंगा। फूल किस लिए दोगे? बालों में लगाने के लिए? फूल नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। सुनो, जिस तरह रोज कपड़े पहनना नहीं भूलते, वैसे ही हर महीने मेरा भाड़ा देना नहीं भूलना। याद रखो, 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तूने भाड़ा नहीं दिया ना, इधर आ, जान से मार दूंगा। राजा राजा, क्या है? पोपट लाल आ रहा है। क्या कहा? आज भी हम उसे भाड़ा नहीं देंगे ना, तो वो हमारी बैंड लगा दिया ना। हाँ लगा दिया। क्यों करता है, चादर ओढ़ के सो जाना। हाँ ठीक है, चल 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 चल।
भाड़ा मांगा तो गुस्सा आता है, खुद को समझते क्या है लोग? एक ये लोग हैं, सुबह दूध वाले के आने से पहले भाग जाते हैं और रात को जब दुनिया सो जाती है तो घर में आते हैं। छिछी, इन लोगों को पकड़ने से तो स्मगलरों को पकड़ना ज्यादा इजी है। ये पोपटलाल। अरे रे 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 रे, इस तरह से तो मैं इनसे भाड़ा ही नहीं ले पाऊंगा। ये कहां से आया? खिड़की दरवाजा तोड़ने के बारे में सुना था, लेकिन ऐसे 2-in-1 खिड़की दरवाजे के बारे में कभी नहीं सुना, वो भी मेरे घर के। साले मुझे ही एड़ा बना रहे। अब तो वो चला गया होगा ना? दरवाजे पर ताला देखकर जाएगा नहीं तो क्या मंदिर का घंटा ही लाएगा? और वैसे भी उसकी अंकल उसके घुटने में है। क्यों रे कदो? तुम जैसे कामचोरों को घर किराए पर देने से तो दिमाग घुटनों में क्या तलवे में चला जाएगा हरामखोरो। ओ अंकल, आप यहाँ कैसे आए? तुम लोगों ने जो आने जाने का प्रबंध किया है ना, उसी द्वार से मैं भी आया हूँ। मेरे घर का सामान खोलकर स्पेयर पार्ट्स की दुकान बना दिया है क्या? सुन लो, जब तक तुम लोग मुझे भाड़ा नहीं दोगे मैं यहाँ से हिलने वाला। अंकल ये खटिया नहीं है। अंकल ये खटिया है। अच्छा तो ये भी छड़ी नहीं है, सिर्फ नाम की छड़ी है। मेरे साथ मजाक करते हो? अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये क्या? ये तो चप्पल की दुकान लग रही है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या? घर में तुम लोग बीड़ी सिगरेट का कचरा जमा किए हो? तो क्या सिटी बैंक में जमा करूं? हल तुम बात मत करो, जल्दी से मेरा भाड़ा दे दो नहीं तो जान से मार दूंगा। भाड़ा? वो तो हम आपको देने ही वाले थे अंकल। पर अचानक बिजनेस में लॉस हो गया ना। ये क्या, जब देखो बिजनेस में लॉस करते रहते हो। तुम लोगों का ऐसा कौन सा बिजनेस है? वो ना क्या बताएं अंकल, लोगों की जेब काटता है। मतलब हम ऐसा काम क्यों करेंगे, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो फ्लैट का। ओहो, फ्लैट बेचने का बिजनेस है। और क्या, आप तो कितना मेहनत करते हैं, रोज इस बिल्डिंग के चक्कर काटते हैं, फिर भी कितनी वसूली कर पाते हैं? आफ्टर ऑल 5,000 रुपए। और अगर इस बिल्डिंग को गिराते हैं? बिल्डिंग को गिरा दो? जरा सोचिए, इस बिल्डिंग को गिराकर यहाँ पर दर्जनों फ्लैट की बिल्डिंग खड़ी कर देंगे तो आपको लाखों लाख का फायदा होगा। अच्छा? दर्जनों फ्लैट? हाँ अंकल, दर्जनों फ्लैट और बीच में स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आप ऐसे तैरेंगे। कहाँ खो गए सर? स्विमिंग पूल में। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर। जल्दी से काम शुरू करो। सर अपना भाड़ा तो ले जाइए। हमारे बीच में भाड़ा कहाँ से आया? स्विमिंग पूल जरा बड़ा बनाना। कमला बहन थोड़ी दाल देना। कृष्णा जरा उन्हें दाल देना। अरे यार अंडा ठीक से पका नहीं। क्यों बे घूर क्या क्या देख रहा है, तू भी अंडा खरीद के खा रहे सकता क्या? कमला बहन इसे एक अंडा दो, साला मेरे अंडे पर बुरी नजर डाल रहा है। हाँ। ए, क्या डाल रहा है? अच्छे से डाल। साथ में ये चले आते हैं। कमला बन बल्लू दादा। अरे भागो 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 भागो। ये चाकू मैंने फेंका है कि ये जगह मेरी है, इसलिए नहीं कि इसे फोक बनाकर एप्पल खा। इतना सीरियस लुक मत दो गुरु, थोड़ा वोल्टेज कम कर ले। चल काम की बात कर। कुछ नहीं गुरु, तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, साइड में आएंगे क्या? अच्छा चल। हाँ ले ले। तुम ऐसा पेश आ रहे हो जैसे बहुत बड़े मंत्री हो, ये सिक्योरिटी किस लिए है? ऐसा कुछ नहीं भाई, टमी गंदे के रखा है, माहौल बनाने के लिए सब करना पड़ता है। वो सब छोड़ो, काम की बात करो। काम इतना कुछ खास नहीं है, मेरे दोस्त अरुण कुमार ने नया घर लिया है। शास्त्री जी ने कहा है कि उस घर में कुछ दोष है, उस दोष को मिटाने के लिए गणपति की मूर्ति घर के सामने रखनी है। तो रख लो, मुझसे क्या पूछते हो? अरे तुमसे क्या पूछना है, अरे वो मूर्ति तुम्ही लोगों को चुरा के लानी है। चुराने की क्या जरूरत है, खरीद लो ना।
ये तू मुझे मत समझा। खरीदी हुई मूर्ति से कोई लाभ नहीं होने वाला, तुम लोगों को चुरा कर ही लाना होगा, इसलिए ये काम तुम दोनों को ही करना है। अब इतना मत सोचो राजा, 10,000 रुपए का काम है, 2,000 रुपए एडवांस है, काम जल्दी हो जाएगा ना। अब तुम बेफिक्र रहो मेरे भाई, गणेश जी दौड़ कर तुम्हारे दोस्त के घर में आकर बैठ जाएंगे, अब तुम जाओ। राजा राजा, इसमें से 100 रुपए उधार देगा क्या? उन दोनों को तुम देख रहे हो ना, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे। थैंक यू। सॉरी गणेश जी, मैंने आपको मंदिर से निकालकर बोरी में डाल दिया। जल्दी चल, कोई देखने ले। लगता है कोई चोर आ गया। अरे अरे चोर है, चोर है, चोर है, पकड़ो, पकड़ो, चोर है, चोर है, चोर है, पकड़ो, चोर, 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 चलो 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 भाइयों, चलो, चोर आया, चोर आया, पकड़ो, 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 चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, पकड़ो। यहाँ से तो आ रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। पकड़ो 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 पकड़ो। रुको, कहाँ गए? यही कहीं छुपा होगा, सारी जगह छान मारो, जल्दी करो, देखो उसे, चलो जल्दी। राजा अगर हम यही खड़े रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, सामने वाले घर में चलते हैं। चल, लगता है वो यहाँ नहीं है, उस तरफ देखते हैं, चलो। हाँ चलो चलो। हाँ चिंटू, चिंटू। क्या दीदी? हमारे घर में चोर घुस आया है। क्या? अरे हमारे घर में चोर घुस आया है। दीदी दीदी उठो उठो, क्या हमारे हुआ? घर में चोर आया है। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया है। होते मुझे देखना है दीदी। वो हमें देखेंगे तो मार डालेंगे। दीदी दीदी उन्हें छुप कर देखते हैं ना, प्लीज दीदी दीदी प्लीज दीदी प्लीज। ठीक है चुपचाप मेरे पीछे आओ, आओ। दीदी दीदी वो चोर लोग रसोई घर में गए। मुझे पता है, बात मत करो, चलो। ए चिंटू, टेबल पर ताला चाबी रखा है, जल्दी जाकर लेकर आओ। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, लाइट चालू कर दूँ क्या? ये तेरे बाप का घर नहीं है। अरे वाह, यहाँ तो अलमारी है। अबे वो अलमारी नहीं, फ्रिज है। क्या फ्रिज है? लाओ जल्दी लाओ। क्यों पकड़े गए ना? इस घर में कोई नहीं है समझकर चोरी करने आए थे ना? चोरी करने आए हैं? ए तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? सॉरी सिस्टर, हम लोग चोर नहीं है, जेंटलमैन है। ओए ये छोटे उस्ताद तो कुछ ज्यादा ही पहुंचे हुए लगते हैं। देख रहा है। ए, क्या खुसुर-बुसुर हो रही है, शक्ल से ही पता चलता है कि तुम लोग चोर हो। ए दोबारा चोर बोला तो मुंह तोड़ दूंगा, समझे? मुझसे ऐसी बात करते हो, तुम्हें तुम्हें अब शांति, पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? पुलिस स्टेशन 100 100 100। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो अल्ले कुची कुची चुन्नी मुन्नी फोन रख दे बेटा, अल्ले लल्ली कुट्टी कुट्टी। आपके सर की कसम हम चोर नहीं है। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, इसलिए घर में पूजा करने के लिए मूर्ति ले जा रहे थे और आप हमें चोर समझ गए। भागते हम आपके घर आ गए। अब तो समझ गई ना, अब दरवाजा खोल दीजिए। सिस्टर जरूर खोलेगी। रियली? दरवाजा खोलिए। दीदी तुम इन्हें छोड़ दोगी क्या? छोड़ना पड़ेगा, उन्हें घर में रखेंगे क्या? नहीं नहीं दीदी, यहाँ। कहाँ? अगर इन्हें छोड़ देंगे तो कुछ चुराए बिना चले जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? सही कह रही हो, लगते तो ऐसे ही हैं। हाँ,
ये चिल्लर पार्टी आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं भाई। आइए सिस्टर आइए, आप बड़े लोगों ने आपस में सलाह मशवरा करके क्या फैसला किया है? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करके 6 महीने की सजा दिलवा कर सबक सिखाने वाले थे, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, क्या फायदा होगा? पुलिस के हवाले करना कैंसिल। आहा, बच्चे ये सिस्टर ये है बड़े प्यारे, मन में है दया भरी, सबसे है न्यारे। जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, हम लोग बाहर आकर तुम सबके साथ खेलेंगे। आकर बाकर बॉम्बे। तुम दोनों को आज से पूरे 1 हफ्ते तक हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। दिस इज टू मच। हाँ, ये सरासर अन्याय है। हाँ? तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्या? अपना मुंह बंद करो और चुपचाप पड़े रहो। हाँ चलो बच्चों। हाँ क्या ये समझ जाए का मतलब क्या है भाई? बाप रे मर गया। क्या यार सोने देना। बेटा पेन में इंक ऐसे नहीं डालते, इंक फिलर से डालते हैं। वो मुझे पता है, तुम चुप रहो। डोंट वरी राजा, आजकल के बच्चे होते हैं ऐसे। अरे बाप रे, ये कैसे गिरा? बोतल टूट गई दीदी। अब तो समझ गए ना कि बड़ों की बात क्यों सुननी चाहिए। अब तुम्हारी दीदी आएगी और छड़ी लेकर तुम्हारी बैंड बजाएगी। दीदी आ गई, जल्दी पहुंचो। ए, ये क्या किया? ये इंक बॉटल किसने तोड़ दी? तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ। उसने वो मेंढक की आंख वाला। क्या? मैंने? हाँ तुमने, है ना चिंटू? ये झूठ है, ये यहाँ अंदर है तो बॉटल कैसे तोड़ सकता है? सच कह रही हूँ दीदी, मैं इंक फिल्टर से पैन में इंक भर रही थी, तब मुझे बुलाकर ऐसा नहीं भरते कहकर मेरे हाथों से इंक की बॉटल छीन कर यहाँ फेंक दी दीदी। अरे रे 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 रे। देखा राजा, झूठ बोलने में भी ये छोटे उस्ताद कितने माहिर है। बंद करो तुम लोग का नाटक, बच्चे कभी झूठ बोलते हैं क्या? बच्चे नहीं बोलते हैं लेकिन ये शैतान बच्चे बोल रहे हैं। बहुत हुआ, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से दूध लेकर चाय बनाओ। हम और चाय बनाएं? नहीं तो क्या हम बनाएंगे? अपनी सलामती चाहते हो तो चाय बनाओ, ये लो। अरे इसकी तो शांति, पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? 100। हेलो सिस्टर, नो 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 पुलिस स्टेशन। सिस्टर इज अ वेरी नाइस गर्ल। हम बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। अब ठीक है, गुड बॉयज। इसने हमें क्या समझ के रखा यार? और क्या समझेंगे, उन्हें लगता होगा कि हम किसी फाइव स्टार होटल के कुक हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? दूध गरम कर रहा हूँ। कैसे गरम करोगे? गैस पर। पागल है क्या? ऐसे गरम करेगा? ऐसे गरम करते हैं। ये सही है, पैकेट खोल। ठीक है, अब डाल। चाय बन गई क्या? हाँ रेडी है सिस्टर। बड़ी बच्ची के लिए बॉर्नविटा, छोटी बच्ची के लिए कॉम्प्लान, मोटू साथ के लिए बूस्ट और आपके लिए कड़क चाय। वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ थैंक यू। चिंटू बाबा के लिए बूस्ट, बड़ी मैडम के लिए बॉर्नविटा, छोटी मैडम के लिए कॉम्प्लान और मेरे लिए चाय। बच्चों जल्दी नहा धोकर रेडी हो जाओ, नाश्ता करना है। नाश्ता वो कहाँ से आएगा सिस्टर? तुम लोगों को ही बनाना है सिस्टर। हमें क्यों नहीं बनाओगे? शांति पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? 100। हाँ 100। आप नाराज मत होइए सिस्टर, आराम से अच्छी तरह से सब बनाकर रख देंगे।
दीदी मुझे अनियन उत्तपा खाना है। ओके, छोटी मैडम के लिए एक अनियन उत्तपा। दीदी दीदी मुझे उत्तपा चाहिए। बस इतना ही, ठीक है। हमारी जान लेने का इरादा है क्या? फरमाइश पे फरमाइश किए जा रहे हैं। अभी के अभी ये चीजें नहीं बन सकती। क्या नहीं बन सकती क्या? शांति, पुलिस स्टेशन का नंबर क्या है? रुकिए सिस्टर, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। इनका कहने का मतलब है आटा, मसाला, ये सारी चीजें होनी तो चाहिए। जो भी चीजें चाहिए वो सब फ्रिज में है, जल्दी से तैयार करो। चलो राजा। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ तुझे? पहले तुम क्या थे और अब क्या बन गए मेरे भाई? हीरोगिरी में या गुंडागर्दी में तुम्हारा कोई जवाब नहीं था, अब एक बावर्ची की तरह तुम्हें डोसा घिसा बनाता देखकर मेरा दिल जार जार रो रहा है। फ्लैशबैक में मत जा, अपना काम कर। कहां के फंस गया यार? उत्तपा रेडी हुआ क्या? हाँ रेडी है, रेडी है। तेरी तो बहुत। ये क्या है? वो बार बार डोसा पलट रहा था ना, तो उसकी आदत पड़ गई है मुझे। जरा संभल कर। टैन टैन। नौकर बना के रख दिया इसकी तो। छोटी मैडम के लिए अनियन उत्तपा, मसाला डोसा, और ये तुम्हारे लिए। एक और खाओगे क्या? अच्छा ठीक है। ए मिस्टर। कहिए सिस्टर। एक और मसाला डोसा। एक मसाला। लगता है जैसे सही में वेटर बन गए। घर में कोई नहीं है, भाग जाने का यही सही रास्ता है। मर गया, मर गया, अटक गया। इसकी तो समझ में नहीं आता, ये अपना घर नहीं है, तमीज से पेशा। हाँ यार, ये घर अंडमान जैसे ज्यादा खतरनाक है। जेलर आ रही है। क्या हो रहा है? सिगरेट पी रहे हो क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं सिस्टर। आपके रहते हुए इस घर में कोई सिगरेट पी सकता है क्या? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये लो सब्जियां, जल्दी से बना दो। वाह, क्या ताजे बैंगन है। हम जल्दी से इस बैंगन का भरता बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। चलो राजा, काम पर लग जाओ। जल्दी शुरू करो। खाना बन गया क्या? हाँ बन रहा है। जरा जल्दी बनाओ। क्या हुआ, किसी से शर्त लगाकर हार गई क्या? क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पर मूछ हो गई इसलिए पूछ रहा हूँ। मूछ है? हाँ
पहले हमें जेल में लोग खाना परोसा करते थे, लेकिन यहाँ के जेल में हम लोगों को खाना परोस रहे। अच्छा, जेल जाओगे क्या? नहीं सिस्टर, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे, हम भी खाना खाए क्या सिस्टर? खा लो। सिस्टर ने परमिशन दे दी यार, चलो खाते, प्लेट आगे करो। वाह। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश को स्वर्णांध्र प्रदेश में बदलने के लिए सरकार दाल काफी मजेदार बनी है, कर रही है। उन्हें हाँ सिस्टर, चैनल बदल कर टीवी जरा इस तरफ घुमा दीजिए, थोड़ा टाइम पास करके खाते रहेंगे। फिल्मों में काफी व्यस्त है। नहीं सिस्टर, यू प्रोसीड, आई विल ईट, इट्स ओके। पिछले हफ्ते गांधी जयंती के अवसर पर स्टेट लायंस क्लब के आरोग्य केंद्र द्वारा आयोजित किए गए नेत्रदान शिविर में कई लोगों ने भाग लिया, जिनमें कुछ नेताएं भी शामिल थे। इनके अलावा और भी जानी मानी हस्तियां नेत्रदान के लिए आई थी। अच्छी बात है, तुम्हें भी इंसानियत है। क्यों, तुमने अपनी आंखें दान जो कर दी? आंखें क्या चीज है, मैं तो अपने शरीर का एक एक हिस्सा पहले ही दान कर चुका हूँ। तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें रोका नहीं? मेरे घर वाले? मेरा अपना कोई भी नहीं है, मैं जिसकी भी मदद करता हूँ वही मेरा अपना हो जाता है। सिस्टर, कहिए मिस्टर। थोड़ी देर के लिए मुझे आजाद कीजिए, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ सिस्टर। नो प्रॉब्लम, आई नो फाइन, मेरे हाथों के सामने ही वॉश बेसिन है, उसी से एडजस्ट कर लूंगा। ओके, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सिस्टर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बच्चों जल्दी से ड्रेस बदल कर आओ, नाश्ता करते हैं, कम ऑन क्विकली। आवाज दो मैडम। जी कहिए। मैडम हम टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हैं। मैडम चार दिन से आपका फोन बंद है, ऐसी कंप्लेंट दी थी ना। रिपेयर हो गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके। फोन खराब था मतलब इतने दिनों से ये हमें। हाँ चल रहा है, ये लीजिए। चलते हैं मैडम। हाँ क्या देख रहे हो? हाँ आपने हमारे साथ धोखा किया। घर का फोन डेड था, इसके बाद भी बार बार पुलिस का नाम लेकर हमें डराती थी। अब हमें किसी चीज का डर नहीं है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। कुछ भी करेंगे क्या? फोन बंद है जानते हुए हमारे साथ नाटक किया? शुक्र मानो कि सिर्फ नाटक किया, अब तक तो फोन बंद था लेकिन अब तो चालू है ना, लगाओ के पुलिस को फोन। सॉरी सिस्टर, गलती से गलत बात कह गया, ट्यूबलाइट है ठीक से चलती नहीं। You are great, so great. अब आए ना रास्ते पर, चिंटू। Keep it up, God bless you. हेलो। शंभुनाथ जी है क्या? कौन? पुणे के शंभुनाथ जी। रॉन्ग नंबर। Thank you.
गणेशाय नमः पाद पूजयामि। ओम गणेशाय नमः पाद पूजयामि। ओम एक दंताय नमः कंठम पूजयामि। ओम एक दंताय नमः कंठ पूजयामि। ओम लंबोदराय नमः उधरम पूजयामि। सिस्टर मुंह ठीक से चल नहीं रहा है, मैं कुछ और कहूँ क्या? क्या जानी जानी, यस सिस्टर, ईटिंग गुड, नो सिस्टर। भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, मैं जैसा कहूंगी वैसा कहो। ठीक है सिस्टर। ओम लंबोदराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। नीराजनम समर्पयामि। नीराजनम समर्पयामि। पूजा हो गई, अब आरती दो। टीका लगाओ। तुम भी लगाओ। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। इसलिए तो तुम चोर बने हो। लगाओ। अब देखो कितने समझदार भले इंसान लग रहे हो। अरे बल्लू, गणेश भगवान की मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति मूर्ति करके परेशान क्यों कर रहे हो? मूर्ति चाहिए, थोड़ा सा भी करो। वेल शॉट। अरे यार, अब तुम्हारा। मूर्ति तुम अपने पास ही रखो और मेरे पैसे वापस करो। पैसा? ये दादा पैसा लेना जानता है, पैसा देना तो इसकी फितरत में ही नहीं है। ऐसी बात है, तुमसे पैसे वसूल करना मुझे अच्छी तरह आता है, समझे तुम? ज्यादा जबान मत चला वरना जबान काट के फेंकूंगा। अरे इतना गुस्सा होकर मुझे क्यों परेशान करते हो? अपने बच्चे लोग मूर्ति चुराने के काम में लगे हैं। एक से दबा रहे। ए, थोड़ा आराम से। बल्लू दादा, बल्लू दादा। क्या हुआ? वो मूर्ति वाला गुंडों को लेके आ रहा है। कितने लोग हैं? कुछ 6 लोग हैं दादा। मेरे पैसे निकाल। नहीं दूंगा, तुझे हिंदी में बोला ना, समझ में नहीं आया क्या? मतलब पैसे नहीं देगा क्या? नहीं दूंगा। क्या है, क्या उखाड़ लोगे? इतने जोर से क्यों मारा? अरे बाप रे, ये लोग किधर हैं? गायब हो गए? ये मुझे मार डालेंगे। तूने मजाक में मारा या गुस्से में मारा? गुस्से से मार रहा हूँ साले। सही में शक है क्या? मैंने सोचा तूने मजाक में मारा। चौधरी साहब नमस्ते। अरे भागो रे। ए, साला भाग रहा है, पकड़ो उसे। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हुआ? नाश्ता तैयार नहीं है इसलिए गुस्सा आ रहा है? आज कुछ अजीब ही लग रहे हैं, रोज तो आसमान सर पे उठा लेते हैं लेकिन आज ये इतने शांत क्यों हैं? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं तुम दोनों को आजाद कर रही हूँ। थैंक यू सिस्टर। आहा, चलो राजा। आज हमारे मम्मी डैडी गांव से आ रहे हैं अंकल। ये क्या, मुझे लगा दरवाजा खोलते ही तुम लोग भाग जाओगे, मगर तुम लोग तो यही खड़े हो। क्या आप जा रहे हैं अंकल? चिंटू, शांति, चिन्नू, तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छा नाम कमाना, ठीक है? गुड, चलता हूं। एक मिनट। तुम लोगों को इस तरह खाली हाथ भेजने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। ये लो। ये क्या है? रामायण।
ये किताब जिस महापुरुष ने लिखी है वो भी पहले तुम लोगों की तरह जिंदगी जीता था, अचानक खुद को बदल कर वो महापुरुष बना और फिर उन्होंने ये महाग्रंथ लिखा। ये लो। इसका मैं क्या करूँगा? इस रामायण में अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें पढ़ने से अपनी जिंदगी में स्फूर्ति आती है। ये किताब तुम दिन में एक बार भी पढ़ोगे तो तुम्हारा मन अच्छाई की ओर मुड़ने लगेगा, ये मेरा विश्वास है। इंसान में बदलाव, चाहे वो कहीं भी हो, कभी भी आ सकता है। वो बदलाव अगर तुम में आए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। देखो, जो अपने शरीर के हर एक हिस्से को दान कर सकता है, ऐसा तुम जैसा इंसान इस तरह दूसरे का घर लूटकर एक चोर की जिंदगी कैसे जी सकता है? अपनी खुशी के लिए 10 लोगों को दुखी करने से अच्छा है 10 लोगों की खुशी के लिए अपनी खुशी उन पर निछावर करना। आज से तुम अपनी एक खास किताब बनाओ, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में उस किताब में लिखो। दूसरे दिन जब उसे पढ़ोगे तब तुम्हें अपनी की हुई गलतियों का एहसास होगा और उन्हें सुधारने की कोशिश करोगे। ऑल द बेस्ट। कमला बहन, बल्लू दादा कहाँ है? क्यों, वो मर गया क्या? नहीं, अब वो वहाँ पहाड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता है। बांसुरी बजाता है? कहाँ हो दादा? बल्लू दादा, बल्लू दादा। बल्लू दादा, ये क्या, लैला के मजनू की तरह ये क्या हाल बना रखा है? वो मैं बाद में बताता हूँ, तू पहले बैठ जा। हाँ। अरे, मेरा पैसा लिए हुए तुझे कितने दिन हुए? जस्ट 1 वीक। कितना लिया तूने? 2000। दबा के खाया ना? हाँ। मगर मूर्ति लेके क्यों नहीं आया? कहीं फंस गए थे। लेकिन तुम ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? मूर्ति लेकर हमारे बैलेंस पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। बैलेंस अब क्या बाकी रहा जो तुझे दे दूं? कभी रिजर्व बैंक की तरह धड़ धड़ पैसे देता था, अब देखो रोड पर भिखमंगे की तरह हालत हो गई हमारी। तुम्हारी हालत कैसी भी हो, मुझे इससे क्या? ऐसा मत बोल भाई, बाहर से फटे हुए कपड़े तो दिख रहे हैं, अंदर जो हड्डियां टूटी हैं उनका तो ख्याल कर। डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाओ। मूर्ति लेकर हमारे पैसे दो और मुझे जाने दो। मुझे एडवांस भी मत दे, मूर्ति भी मत दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दे। तो फिर तुम्हारी मूर्ति का हम क्या करें भाई? जाके विसर्जन करते, किसी तालाब में डाल देना, नहीं तो घर में रखे पूजा कर, मुझे छोड़ दे, मैं तो पागल हो गया हूँ। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। राजा, उस बल्लू दादा का तो बैंड बज गया। अरे बाप रे। राजा, क्या हुआ भाई, तू मनी मन में हंस क्यों रहे हो? वो लड़की बहुत अच्छी है रे। लड़की? कौन सी लड़की? नहीं रे, जिसने हमें किचन में बंद करके रखा था, बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अगर वो खिलाड़ी है तो मैं उसका भी बाप हूँ राजा। ये क्या है रे? अंजलि का बैग। इसे तू यहाँ क्यों ले आया? और नहीं तो क्या, बंद पड़े हुए फोन से उसने हमें कितना डराया, इसलिए मार लिया। चल ठीक है, अब जरा देख उसमें क्या रखा है। क्या होगा इसमें? हाँ, ये किसी का कार्ड है, ये लिपस्टिक है और ये फालतू की किताब है। वो सब छोड़, मुझे भूख लगी है, कुछ लेकर। ठीक है। क्यों रे राजा, कहा था फ्लैट बनाऊंगा, स्विमिंग पूल बनाऊंगा, कुछ काम तो हो नहीं रहा है, खाली दिन बढ़ते जा रहे हैं। कब बनाएगा फ्लैट तू बता? हो जाएगा सर, बिल्डिंग बनाना कोई खाने का काम नहीं है, प्लानिंग करनी पड़ती है। बस करो, मुझे ये फालतू की कहानियां मत सुनाओ। मुझे फ्लैट भी नहीं चाहिए, तुम्हारी बकवास भी नहीं सुननी, मुझे 3 महीने का भाड़ा चाहिए बस। ऐसे अचानक कहेंगे तो कहां से दूंगा? अचानक कहां से मांग रहा हूँ, मैंने पहले तुम्हें कहा था भाड़ा दे दो। सुन लो, आखिरी बार कहता हूँ, 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में पूरा भाड़ा ला कर रख दिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा कर तुम्हें रास्ते पर ला कर खड़ा कर दूंगा, समझा? ए, मेरी पतंग दे, मेरी पतंग दे, देना।
क्यों भाया, आजकल आते नहीं, कहीं और जाते क्या? आप इसकी बात कीजिए ना। अच्छा अच्छा। क्या सेठ, इतने से रुपए? चोरी का माल का इतना दे दिया, बहुत है समझ लो। चोरी करना कितना मुश्किल है, यहाँ बैठकर आपको पता नहीं चलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी, आप अपने माथे का पसीना पोछ लीजिए। इंसान में बदलाव चाहे वो कहीं भी हो, कभी भी आ सकता है। वो बदलाव अगर तुम में आए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। ये लीजिए आपके पैसे, मुझे चेन वापस चाहिए। ये क्या भाया, अभी तो लेके गए थे। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे चेन वापस कर दीजिए। तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी? बताओ चेन कहाँ है? वो मैंने सीढ़ियों पर रखी थी जी। तुम्हें किसी भी चीज की कदर नहीं है। सर ये आपकी चेन? हाँ, है बेटा, क्या? हमारी ही है। तुम्हें कहाँ मिली? वहाँ सीढ़ियों के पास पड़ी। शुक्रिया बेटा, देखा मैंने कहा था ना, वही सीढ़ियों पर रखी थी। कैसे था, अब कितना बदल गया है, कितना अच्छा लग रहा है। ला 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 ला। क्या राजा, ये क्या लिख रहे हो डायरी? आहा, सच में तुम कितना बदल गए हो राजा। हर पल तुम अंजलि की याद में जिए जा रहे हो, उसकी बातों का तुम पर कितना असर हुआ है। हाँ यार, उसके घर से लौटने के बाद भी मैं अभी तक उसे नहीं भूल पाया। उसे भुला नहीं पा रहे हो? इसी को शायद प्यार कहते हैं। वैसे प्यार के बारे में बिल क्लिंटन का क्या कहना है पता है? चार बज रहे हैं, बच्चों को स्कूल से नहीं लाना है क्या? हाँ हाँ जा रहा हूँ। जल्दी जाइए, बारिश होने वाली है। सुनो, मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही हूँ, मेरे आने तक घर का ख्याल रखना। ए, चिनी पास आओ। शांति तुम भी आओ। चिंटू तुम भीग जाओगे। कैसे हैं आप? अच्छा। अच्छा आप यहाँ कैसे? यहाँ पास ही एक काम से आया था, अचानक आप लोग दिख गए। आप चलिए ना। हाँ। चलिए। अरे रे, हमारी वजह से आप भी भीग रहे हैं। नहीं मैं ठीक। आप कब तक इस तरह हमारे लिए भीगते रहेंगे? ऑटो से चलते हैं। ऑटो? 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 जल्दी बैठो, जल्दी। चलती हूँ। क्या सर इतना सीरियसली पढ़ रहे हैं? ओह रामायण, इसे लिखने वाले वाल्मीकि ने भी इस किताब को इतनी गौर से पढ़ा नहीं होगा। हाँ, यू डोंट लाइक इट? ओके, मेरे पास भी किताब है, आज से मैं भी पढ़ूंगा। ला ला ली ला 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 ला।
ना 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 आ आ हाँ अंजलि बीएससी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज। ए क्या पढ़ रहा है? आ अंजलि की डायरी। शरीफ लोग क्या दूसरों की डायरी पढ़ते हैं? शराफत की उम्मीद शरीफों से की जाती है राजा। माँ मरकर स्वर्ग में चली गई तू, लेकिन मुझे इस नर्क में क्यों छोड़ गई? आ? इस तरह दुख उठाने के लिए तूने मुझे जन्म दिया क्या? माँ जब तक तुम जिंदा थी तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे पिता कौन हैं। उनके बगैर ही तुमने मेरी परवरिश की। तुम्हारी मौत के बाद तुमने जो चिट्ठी दी थी वो लेकर पहली बार मैं अपने पिता के पास गई। ए जी, आपने मुझसे शादी तो की लेकिन कभी किसी से मिलवाया नहीं, मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ दिया। अगर आप अंजलि को अपनी बेटी स्वीकार करेंगे तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन इस बार उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, अपनी बेटी को अपना नाम जरूर देंगे। आपकी पत्नी शांति। मुझे माफ कर दो बेटी, पैसों के लालच में आकर तुम्हारी माँ के साथ अन्याय करके तुम्हारी मौसी से शादी कर ली। मेरे जिंदा होते हुए भी तुम अनाथों की तरह जी रही हो, इसलिए अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार करता हूं। मगर इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि तेरी मौसी बहुत गुस्से वाली है, उसे पता चला तो बवाल मचा देगी। उसके ऊपर उसकी बहन जया, उसका पति शंकर राव और उनके बच्चे सब साथ में ही हैं। एक बात मैं कहूं तो हर चीज की मालकिन वही है। तुम डरना मत, तो मेरे दोस्त की बेटी हूँ ये कहकर घर ले जाऊंगा, फिर जैसे ही मौका मिलेगा मैं तेरी मौसी को बता दूंगा। कुछ भी हो जाए तब तक तो मुझे, मैं आपको पिताजी ना कह सकूं, इतना ही ना। क्या कहा आपने, ये आपके किसी खास दोस्त की बेटी है, इसे कुछ दिनों के लिए मेरे घर में रखना है। बस बहुत हुआ, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो किसी भी राह चलते को घर में ले आएंगे। इसे जल्दी यहाँ से ले जाइए और किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आइए। ऐसा मत बोलो, लड़की सयानी है, बाहर रहेगी तो उसे प्रॉब्लम होगी ना। तो क्या किसी अनजान को हम अपने घर में रख ले, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो ऐसा क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो और उसे कुछ मत कहो। आपकी बात मानकर बहुत फायदा हुआ है, जो हर बात आपकी मानती रहूं। दीदी इधर आओ ना। क्या है दीदी? तुम्हें गुस्सा बहुत है लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की को मेहमान की नजर से देखना तो मुश्किल है, एक बार अनाथ की नजर से देखो, हमें फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। बिल्कुल तुम्हारी बातों में दम है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। ए सुनो, मेरे पति के कहने से तुम्हें इस घर में रख रही हूँ, तुम ठीक से रहोगी तो रह सकती हो, अगर कुछ गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप क्यों खड़ी हो, परमिशन मिल गई ना, अंदर जाओ। बच्चे लोग जाओ, दीदी को अंदर ले जाओ। ठीक है, आओ दीदी आओ। क्लब के लिए देर हो रही है, चलो। भैया ये लड़की आपके कौन से दोस्त की बेटी है? मेरे दोस्त शंभू की बेटी है। इस नाम का तो आपका कोई दोस्त है ही नहीं। उसका ये नाम मेरे दोस्त बनने से पहले था। ये क्या, दोस्त बनने से पहले कुछ और नाम, दोस्त बनने के बाद कुछ और नाम, ये क्या तमाशा है? दीदी 5,000 दो, लेडीज क्लब में जो डोनेशन देना है वो सबसे पहले हम ही देंगे। 5,000? हमारी स्टेटस के हिसाब से 10,000 देना। ओके। मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? क्यों? वो क्या है कि आज अंजलि कह रही थी उसकी माँ का श्राद्ध है, उसकी इच्छा है कि गांव के ब्राह्मणों को कुछ दान दे दे, इसीलिए। इसलिए यहाँ पर पैसों का झाड़ है क्या, या उसके बाप दादा उसके नाम पर जायदाद छोड़ गए हैं? खुद तो हमारे टुकड़ों पर पलती है और ऊपर से दान धर्म करने की बात करती है। इस तरह दान धर्म करने के बजाय उससे आज अपनी माँ के नाम का उपवास करने के लिए कहिए, पैसे बच जाएंगे। चलो जया। भगवान से क्या मांगा बेटी,
अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ तो जिंदगी भर मुझे अपने माँ बाप का साथ नसीब हो, ऐसी दुआ मांगो। मैंने कुछ गलत तो नहीं मांगा ना पिताजी? नहीं बेटी, इस उम्र में लड़की को भगवान से अच्छा पति मांगना चाहिए। मुझे ऐसी कोई तमन्ना नहीं है पिताजी। अगर तुझे नहीं तो तेरा बाप होने के नाते मुझे है। बेटी ये फोटो तो देख, ये लड़का कैसा लगा? अच्छा है पिताजी। कौन है ये लड़का? अरे कौन है क्या, पसंद हो तो शादी करवा दूं। इसका नाम संजय है, कनाडा में बहुत बड़ा इंजीनियर है, तुम्हारी मौसी का रिश्तेदार है। वो तुम्हारी मौसी की तरह नहीं है, इस हफ्ते वो इंडिया आ रहा है। जैसे वो इंडिया आएगा मैं उससे पूछूंगा कि तेरे लिए मैंने एक अच्छी लड़की देखी है, तू उससे शादी कर ले, तू आंख बंद करके शादी कर लेगा। अगर मेरे घर में कोई मेरी बात मानता है तो वो संजय ही है बेटा। हाय 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 दीदी। जीते रहो जीते रहो। और बेटा कैसे हो, सब बढ़िया? और छोटे उस्ताद, सिगरेट वगैरह पीना सीखा कि नहीं? जल्दी से सीख लो, पिताजी से आगे बढ़ना है या नहीं। टें, टें, दीदी ये तुम्हारे लिए डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस? माया ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। जीजा जी आपके लिए ये कंप्यूटर वॉच। हाउ इज इट, यू लाइक इट? कम ऑन किड्स, टेक द टॉय। You're Miss Anjali, right? उस लड़की को तू कैसे जानता है? Letters. Letters मतलब? अंजलि ने लिखे थे क्या? No. जीजा जी ने लिखे थे। अंजलि, this is for you. Please. Thank you. जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, खाना खाना है। See you. अंजलि सारा खाना टेबल पर रख दिया ना? क्या हुआ, अब तक कोई आया नहीं? अभी बुला दी, जल्दी बुला लो। दीदी हाँ, क्या क्या बनाया? सब कुछ 5-star होटल की तरह बनाया है, वेरी गुड। ये क्या बेटी? सर पिताजी ये सब मैंने बनाया है। क्यों इतनी तकलीफ कर रही बेटी, तेरी मौसी ने 5-star होटल से 10 तरह का खाना मंगवा लिया है, ऐसा खाना उसे पसंद आएगा भी या नहीं? वो सब मुझे नहीं पता, मेरी खुशी के लिए वहाँ रख दो ना पिताजी। जैसी तेरी मर्जी। आ रहा हूँ मैं, आई एम कमिंग। चिकन 65, तंदूरी नूडल्स, सब रूटीन फूड्स हैं, खा खा कर बोर हो गया हूँ। और इसमें क्या है? वाह खिचड़ी। और ये? ओ बैगन की सब्जी। और ये? वाह 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 सेवैया। सो स्वीट, खाना इसे कहते हैं, अपने नेटिव प्लेस का खाना खाए काफी दिन हो गए। वैसे ये सब बनाया किसने? और कौन, अपनी अंजलि? अंजलि ने? You're something special. I like it. नहीं पिताजी, रुकिए मत जाइए पिताजी। पिताजी। संजय। हाँ जीजा जी। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। Proceed. अरे अरे टाई तो बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी? कनाडा से ना? No, रोड पर खरीदा। और नहीं तो क्या जीजा जी, come to the point. वो क्या है कि अंजलि तुझे कैसे लगती है? अंजलि? अच्छी समझदार लड़की है, और तो और खाना भी अच्छा बनाती है। मतलब अंजलि तुझे पसंद है? या आई लाइक हर। अरे बाप रे, तू बना कर देगा इसलिए डर गया था? तो शादी का मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। मुहूर्त? वो किस लिए? इसलिए क्या, अंजलि के साथ शादी के लिए। व्हाट, शादी? हाँ अंजलि से। बिल्कुल। क्या जीजा जी मजाक कर रहे हो? इसे मजाक की क्या बात है, तुझे अंजलि पसंद है और अंजलि को तू, इसलिए दोनों की शादी करना चाहता हूँ। आर यू क्रेजी? क्या बात कर रहे हो संजय? सॉरी जीजा जी, अंजलि मुझे पसंद है लेकिन मैंने उसे कभी पत्नी की नजर से नहीं देखा।
यू सी, मुझे स्टेफी ग्राफ पसंद है, समंथा फॉक्स भी पसंद है, ऐश्वर्या राय तो बहुत ही पसंद है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे शादी ही कर लूंगा। देखिए जीजा जी, पसंद करना और बात है और किसी के साथ जिंदगी बिताना और बात है। मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं, क्या सोचकर उससे शादी करूं? वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। सॉरी जीजा जी, इस तरह अचानक से मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और अगर आप अंजलि की जल्दी से शादी करवाना चाहते हैं तो अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी करवा देंगे। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूं, चलता हूं। आई एम सॉरी अंजलि। ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी, बाय बाय। संजय हाँ, ये लो तुम्हारा कंफर्म टिकट, अनाउंसमेंट हो गई है। ओके सर, जल्दी से निकलो। थैंक यू। मैंने कल तुम्हारा दिल दुखाया ना? That's why I like you. Be happy. See you. अपने दिल में इतना दर्द छुपाकर कोई भी इंसान इतना हंसते खेलते कैसे रह सकता है? अरे तुमने ये डायरी क्यों बंद कर दी? उसकी डायरी पढ़कर क्या फायदा, अब वो अपनी नहीं रही। अंजलि के दिल में कोई और है ये जानते हुए भी उससे प्यार करना गलत नहीं होगा? क्या सोच रहे हो राजा तुम? कल सुबह अंजलि को जाकर उसकी डायरी लौटा दूंगा। मम्मी, डैडी। सफर ठीक तो रहा ना मैडम? हाँ सब ठीक ही रहा। वैसे फोन को रोग लगा था या तुम्हें? कितनी बार ट्राई किया, लग क्यों नहीं रहा? फोन था, डेड हुआ था मैडम, कल ही ठीक हुआ है। ठीक है, मैं अपना डायमंड का नेकलेस यही भूली थी, तुमने उसे संभाल कर रखा है ना? नेकलेस? मुझे नहीं पता मैडम। तो और क्या पता है, कामचोर कहेगी। दीदी जाने दो ना, चलिए हम अंदर चलकर ढूंढते हैं। इस घर में किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, समझ में नहीं आता। छी 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 छी। है ये? तुम ही से पूछ रही हूँ। ये सिगरेट का टुकड़ा इस ड्रॉअर में कहाँ से आया? वो यह चोर। क्या कहा, हमारे घर में चोर आए थे? हाँ, एक हफ्ते तक हमारे किचन में ही थे। क्या, चोर हमारे घर में एक हफ्ते तक रुके थे? सच बताओ, वो चोर ही थे क्या? दीदी सच कह रही है आंटी। हाँ? सच में चोर ही थे मैडम, बच्चों ने कहा इसलिए उन्हें यहाँ रखा। बच्चों के कहने से उन्हें रोका या उनके साथ मौज मस्ती करनी थी इसलिए रोका? अरे सुनो मैडम, क्या बात कर रहे हो? आप चुप रहिए, मैंने आपसे उसी दिन कहा था अनजान लोगों को घर में मत रखिए। अब देखिए क्या क्या, घर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला। मैडम मेरी बात का यकीन कीजिए। बस करो, बात शरीफ बनती है, तुम्हें लगा हमें पता नहीं चलेगा? बाप रे बाप रे बाप, एक आदमी से जी नहीं भरता इसलिए दो दो आदमी को घर में लाकर उनसे अपनी प्यास बुझाती है। सच बता, वो नेकलेस तूने उन्हीं को दिया है ना? इसके बारे में कुछ नहीं जानती मैडम,
इनसे कहिए ना कि मेरा विश्वास करे। अब क्या विश्वास करे तुम पर? हाँ, तुम पर विश्वास करके घर तुम्हारे हवाले करके गए, उसका तुमने अच्छा सिला दिया। हाँ, अब तुम पर विश्वास करेंगे तो सांप को दूध पिलाने के बराबर होगा। अभी दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने कोई गलती नहीं की है मैडम, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हें किस बात की फिक्र है? बहुत सी जगह मिल जाएगी तुम्हें। बाजार में जिस्म की थोड़ी नुमाइश करोगी तो सैकड़ों लोग मिल जाएंगे तुम्हें पोसने के लिए। चुप रहो, ज्यादा बात मत करो। अंजलि कौन है जानती तुम? ये क्या, एक चोर की तरफदारी करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपके दोस्त की बेटी है जानकर मैंने इसे पुलिस के हवाले नहीं किया, इस बात का शुक्र मानिए। अब सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर। आप भी चलिए। मैडम चलिए। मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम मैडम मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैडम 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 जाने में ही सही, हमारी वजह से तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए तुम्हें न्याय दिलाकर हम अपनी गलती सुधारेंगे। देखिए, डिपॉजिट 5,000 है, इस महीने में ही भरना पड़ेगा। मैस और रूम का रेंट मिलाकर 2,000 रुपए होंगे और एडवांस में देना होगा, नहीं तो हम रूम खाली करवा देंगे। ठीक है मैडम, रूम का इंतजाम हो गया। थैंक यू। कोई बात नहीं। अंजलि आप ही हैं क्या? हाँ। आपका रूम नंबर 45 है, अपना सामान ले आइए। आइए। मैं यहाँ खुश हूँ पिताजी, बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी बने हैं। मैडम, आपसे कोई मिलने आए हैं? मैडम आ रही हैं। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए लीजिए ना। मैं कभी कभार यहाँ आता रहूंगा, किसी चीज की जरूरत हो तो इस राजा को जरूर याद कीजिएगा। तुम पागल हो गए हो क्या राजा? इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कहीं से भी लेकर आऊंगा, लेकिन अंजलि को खुश रखूंगा। बात एक दो रुपए की नहीं है, बार बार कहाँ से लाओगे? वापस चोरी करोगे क्या? इस दुनिया में पैसे सिर्फ चोरी से नहीं कमाए जाते, मेहनत से भी कमाए जाते हैं। पैसे कमाने के और भी बहुत से रास्ते हैं।
एक भी ऑटो नजर नहीं आई। वो देखो वहाँ एक ऑटो खड़ी है, चलो पूछते हैं। अरे भैया शास्त्री नगर जाना है, चलोगे क्या? नहीं सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी ऑटो देख लीजिए। अरे भैया काफी देर से ऑटो नहीं मिली, चलो ना भैया। सॉरी सर, सुबह से ऑटो चलाकर थक गया हूँ, अब नहीं होगा, आप प्लीज दूसरी ऑटो देख लीजिए। देखिए डिपॉजिट 5,000 है, इस महीने में ही भरना पड़ेगा। मैस और रूम का रेंट मिलाकर 2,000 रुपए होंगे और एडवांस में देना होगा, नहीं तो हम रूम खाली करवा देंगे। सर आइए। गार्जियन के हैसियत से आप साइन कीजिए। मुझे मंदिर के लिए आए हो राजा? कुछ खास बात है। वो क्या है? आज आपकी माँ की बरसी का दिन है, भूल गई क्या? उनके नाम से आज अन्नदान करेंगे हम लोग, आखिर आप उनकी इकलौती बेटी जो हैं। आइए। क्या हुआ? अभी तो कहा था कि अच्छी है। अच्छी है तो क्या हुआ? कीमत 1200 रुपए है। कीमत के बारे में मत सोचिए, आपको पसंद है ना, रख लीजिए। ये पैक करो, बहुत महंगी है। आप चुप रहिए, पैक करो पैक करो। जरा रुकना। फ्री गिफ्ट, ये लेना तो हम भूल ही गए। आप रुकिए मैं आता हूँ। राजा क्या दिया? नहीं कुछ खास चीज नहीं है। क्या है मुझे दिखाओ ना। चलिए चलिए। जया। जी दीदी। मैंने मेकअप बॉक्स में हेयर स्प्रे रखा है, जरा लेकर आ। ठीक है। नेकलेस गया कहकर उस दिन आपने पूरा घर सर पर उठा लिया था, ये लो नेकलेस। कहाँ मिला ये? आप ही के मेकअप बॉक्स में, गांव जाने की जल्दी में बॉक्स में रखकर आप भूल गई थी। गलती आपसे हुई और बेचारी अंजलि को हमने घर से निकाल दिया। अच्छा हुआ निकाल दिया, बला टल गई। सुन ये बात किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है। कौन है? मैं हूँ अंजलि। अंजलि और यहाँ चल चल। गुड इवनिंग। अंदर आइए। ये दरवाजा लगता है लेकिन दरवाजा है नहीं। क्या सिस्टर अचानक अब यहाँ? कितनी देर हॉस्टल में रहूँ, बोर हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। Thank you.
ब्रह्मचारी है ना, इसलिए हमारा घर भयंकर लग रहा है। आप टेंशन मत लीजिए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आइए। अरे ओफो, अरे 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 अरे, आइए आइए पकड़िए। सॉरी अंजलि जी, वो क्या हाँ, है कि हाँ, खटिया जैसा है लेकिन खटिया नहीं है, है ना? हमारा घर तिलिस्मी गुफा जैसा है सिस्टर। यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब इस घर का हुलिया बदलना बहुत जरूरी है। शादी में जाकर लौटते वक्त खाली पैर आया नहीं करते कहते। इसका मतलब किसी की भी चप्पलें उठा लाओगे क्या? अब बाय द वे, यहाँ लेडीज की चप्पलें भी हैं। आपको चाहिए तो ले लीजिए सिस्टर। यू डोंट लाइक इट, नो प्रॉब्लम। वो ना स्वामी परमानंद महाराज जी के, जब हम सच्ची भक्ति से दर्शन करने गए, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पादुका तुम्हें दे दी है ना? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है सिस्टर। जल्दी से इन पनौती चीजों को घर से बाहर निकाल फेंको। जाओ ना। चाय की पति कहाँ है? आया आया, क्या चाहिए सिस्टर? चाय की पति कहाँ है? बस इतना ही ना, जरा साइड में आइए। हाँ, ये रही चाय की पत्ती, और ये है शक्कर, और ये है चम्मच। आप क्या सोच रही है, ये ना घड़ी जैसी है, लेकिन घड़ी ये वाला गजरा दीजिए। हेलो सर, नमस्ते। मैं नमस्ते, हम टीवी 9 से आए हैं। हाँ। आप कौन बनेगा सिंगर प्रोग्राम तो देखते ही होंगे ना सर? देखता हूँ। थैंक यू। आपका नाम क्या है? राजा। राजा जी, अपने पसंदीदा फिल्म का कोई भी एक अच्छा सा गाना गाइए। गाना? मैं? रहने दीजिए, बहुत बुरा गाता हूँ। कोई बात नहीं, आप गाइए। मुझे बहुत शर्म आ रही है। गाइए ना प्लीज। ठीक है। हाँ, चंदा मामा दूर के पूरी बनाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। ओए चंदा मामा दूर के पूरी बनाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्नी को दे प्याली। थैंक यू राजा जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। आपका नाम क्या है? अंजलि। नाइस नेम। आप भी अपना कोई फेवरेट गाना गाइए ना। गाना? मैं नहीं, मुझे नहीं आता। बोलिए क्या गाना गाती हैं ये? बहुत अच्छी आवाज है इनकी। अरे सुनिए, उस दिन जो आपने किचन में बंद करके गाना गाया था ना, अरे वही चाह है तुमको, कितना अच्छा गाया था, वही गाइए ना। अरे अरे फिक्र मत कीजिए, ये गाना गाएंगे, कैमरा ऑन कीजिए, प्लीज गाइए ना, हम लोग टीवी पर देखेंगे, गाइए ना। मुझे नहीं आता। चलेगा, गाइए प्लीज, गाइए ना। प्यारा होता है ये बचपन सबको, यादें फिर आती है बचपन की हमको। बचपन प्यारा सा है एक सुंदर सपना, खेल याद आते हैं, साथी याद आते हैं, दिन ये बीत जाते हैं, साथी याद आते हैं।
लेकर आपने बहुत जबरदस्त गाया, कॉन्ग्रेट्स। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोशिश करेंगी तो बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हैं। इट्स रियली वेरी नाइस, आई एम श्योर अबाउट इट। सिंगर बन सकती हूँ राजा, तुम सपना देख रहे हो क्या? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि ये सपना सच में साकार हो। मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये कला आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आएगी। अगर आप मेहनत करेंगी तो कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने आपको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला, वही लोग आपकी आरती उतार कर आपका स्वागत करेंगे। सोच क्या रही हैं? आप गाएंगी ना? ठीक है। उधर देख, और कितनी देर लगेगी? पेट्रोल खत्म हो गया सर। पेट्रोल खत्म हो गया, पहले देखा नहीं, आप कैसे जाएंगे? ये चक्रवर्ती है ना? चक्रवर्ती जी, वो कौन है यार? आशिक फिल्म देखी, देखी है? पहला प्यार देखी, देखी है? बेचारी देवी देखी है? अरे हाँ भाई देखी है। अरे उन सारी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर है ये। हाँ? चल आजा मिलते हैं उनसे। चलो ठीक है ठीक है, जाओ कोई ऑटो लेके आओ। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कार बिगड़ गई है? नहीं भाई, पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल क्या? पेट्रोल पंप पास ही है सर, बाजू में। हाँ। आप बड़े आदमी, आप अंदर बैठिए ना। अरे सर, नहीं, आप बैठिए तो सर। चल धक्का मार, चल आजा। आप बैठिए सर। पेट्रोल पंप को बाजू में बता के 2 किलोमीटर गाड़ी को धक्का मारा, आप लोग भी कम आ रहे, ये लो रख लो। नहीं सर, हम आपके काम आए, हमारी खुशनसीबी है। थैंक्स बेटा, फिर मिलेंगे। सच में मिलेंगे ना सर? एनी टाइम, जब तुम्हारा जी चाहे, टच में रहना। ठीक है, चलता हूँ। आहा, कितने अच्छे इंसान है ना राजा। हाँ, तभी तो मुझे टच में रहने के लिए कहा। कल से अपना एक ही काम होगा। कौन सा काम? टच में रहना। ये सेकंड BGM जी मेजर में है, अगला म्यूजिक तैयार होते ही मैं तुम लोगों को बुलाता हूँ, तब तक काम करते रहो। गो अहेड। कोई बात नहीं सर। कल सुबह 10:30 का मुहूर्त है, इतना ही ना? फिक्र मत करो, हम पहुंच जाएंगे भाई, उनसे भी कह दूंगी। ठीक है, रखती हूँ। अरे टेलीफोन तो खराब था ना, कब ठीक हुआ? आपको नहीं पता, आपने जिन 2 लोगों को भेजा था ना, वे टेलीफोन ऑफिस में जाकर एक आदमी को लेकर आए और झटके से फोन रिपेयर करवा दिया। मैंने? हाँ। नहीं तो आप काफी भुलक्कड़ हो गए हैं, वो दोनों बाहर ही खड़े हैं, जल्दी जाकर उनसे मिल लीजिए। नमस्ते सर। अरे तुम लोग, क्या बात है, 2 दिन से तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, क्या बात है, क्या चाहिए आप लोगों को? गाने का एक चांस चाहिए सर। किसको? तुमको? नहीं, मुझे नहीं, हमारे पहचान की एक मैडम है। मैडम को? तुम्हें नहीं? मैडम बहुत अच्छा गाती हैं, आप एक बार मौका देकर तो देखिए प्लीज सर। ठीक है, जाओ उसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आना। धन्यवाद सर। बेटी एक बार गाओ। आज तक तो मेरे साथिया तड़पे हैं हम, प्रेम भी है एक साधना समझे हैं हम।
कुछ जाने क्या कहते हैं हम। वेरी गुड बेटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया। ये गाना इस फिल्म में तुम ही गा रही हो। ए, ठंड लग रही है, एसी बंद करना। घर में नौकर लोग हैं ना राजा, कोई भी काम उन्हीं लोगों से करवाना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। जरा रुको। हेलो, यस बाबूराव स्पीकिंग। मैं बालू बात कर रहा हूँ। आइसक्रीम है क्या? है सर। यू नो बादाम काजू, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आइसक्रीम में डाल कर लेके आ। ओके सर। ये क्या बे, ठंड लग रही है और तू आइसक्रीम खाने की सोच रहा है? मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए राजा, यही तो जिंदगी है। पहले ऐशोरम अपनी जिंदगी में था क्या? यू डोंट लाइक इट? ओके, नो प्रॉब्लम। ए बालू, जब से हम इस घर में आए हैं तब से हमारे पर तो नहीं निकल आए ना? पर निकल आए मतलब? मतलब हम लोग कुछ ज्यादा ही तो नहीं उड़ रहे हैं ना? अगर हम वैसे पेश आएंगे तो हमें दुनिया में गधा नहीं कहेंगे क्या? बोलो। यस कम इन। थैंक यू। हाँ क्या रे बाबूराव? जी सर। हमें यहाँ इतनी गर्मी लग रही है और तुम हो कि ठंड से कहाँ पे जा रहे हो? यस यस मिस्टर बाबूराव, एसी का 2 पॉइंट और बढ़ाओ। ठीक है सर। अच्छा तो बाबूराव, हमें एसी रूम में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए देखना तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लगना चाहिए सर? वही तो, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? रॉयल फैमिली के हैं ना, तो ऐसी आदत होगी ही। क्या कहा, क्या कहा? वंस मोर। रॉयल फैमिली के हैं ना, तो ऐसी आदत होगी। मिस्टर बाबूराव, यू टेक दिस टिप एंड गो टू 5-star होटल एंड एंजॉय योरसेल्फ। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सर। व्हाटएवर यू वांट यू ईट। रॉयल फैमिली। नमस्ते अंजलि जी, आपने एज अ सिंगर कितनी जल्दी कामयाबी हासिल की। अब तक आपने जितने गाने गाए हैं उनमें से आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है, बताएंगी? अब तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं वो मुझे सारे पसंद है, लेकिन जिस गाने से मैंने अपने करियर की शुरुआत की है वो मुझे बेहद पसंद है। एक बार वो गाना गाकर हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगी? जरूर। आज तक तो मेरे साथ यार तड़पे हैं हम, प्रेम भी है एक साधना समझे हम। थैंक यू अंजलि जी। हर इंटरव्यू में आपका नेटिव प्लेस पूना है और माँ का नाम शांति है कहती आई हैं। आपके पिता का नाम या उनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, इसकी वजह क्या है, बताएंगी? माफ कीजिए, ये मेरा सवाल नहीं है, आपके चाहने वाले लाखों करोड़ों फैंस का सवाल है। आप ही के जैसे मशहूर कामयाब लोग अपनी कामयाबी के पीछे अपने माँ बाप का हाथ बताते हैं, लेकिन आप तो अपने पिता का नाम तक नहीं बता रही हैं। उनके बारे में बताना आपको पसंद नहीं है या आपके पिता कौन हैं ये आपको? अंजलि, मैं हूं, मैं तेरा बाप बोल रहा हूं। इंटरव्यू में पूछ रहे ना तेरा बाप कौन है, बता बेटी। तू लायर विश्वनाथ की बेटी है, गर्व से बता बेटी। देखो बेटी, अब इस सवाल से तुम बिल्कुल मत डरना, कोई भी पूछे गर्व से बोलो मैं तेरा पिता हूं। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो, फोन पर जो बोला वो सच है, अंजलि मेरा खून है, ये बात याद रखना। बाप होकर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उस दिन धन दौलत प्रतिष्ठा सब कुछ स्वयं कमा लिया। उसका बाप कौन है सिर्फ इसका जवाब नहीं दे पाती थी और मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। अंजलि मेरी बेटी है, ये बात अब भी मैं न मानूं तो पिता शब्द का मायने खत्म हो जाएगा। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं अब अपनी बेटी के पास जा रहा हूं। जाइए अंजलि, आपकी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। कहिए
आयो? पिताजी, जिस राजा का जिक्र किया था ये वही है। नमस्ते सर। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? बालू। नमस्कार। नमस्ते। ये मेरी मौसी है। नमस्ते। ये शंकर चाचा। नमस्ते। लगता है। अरे यार, ये तो अंजलि का चाचा ने रेलवे स्टेशन का किस्सा याद आया तो हमें बहुत मारेगा। इससे बच के रहना पड़ेगा। चलो चलो बच्चों, खाना चलो खाएंगे जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं बेटी, तुम्हारी शादी की उम्र है, अकेली रहोगी तो कैसे चलेगा? तुम भी हमारे साथ चलो। यही तो मैं कह रही हूँ पापा, आप लोग यही रहिए। हमारी बात मानो बेटा, चलो हमारे साथ। दीदी हमारे साथ चलो। रुकिए रुकिए रुकिए, कौन कहाँ जाएगा ये पर्ची तय करेगी। पर्ची तय करेगी, ये आइडिया एकदम ठीक है। डालो डालो, लीजिए। चीनी, एक पर्ची उठाओ। अंजलि के घर। देखा ना, अब आप सबको यही रहना होगा। ठीक है बेटी, अब जिद करके क्या फायदा, तुम्हारी मर्जी। राजा, ये क्या है? दोनों पर्ची में मेरे घर के बारे में क्यों लिखा? कहीं एक बार फिर से कोई आपको घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए। दीदी देखा, भूली हुई बातों को याद दिलाकर अंजलि को हमारे खिलाफ कैसे भड़का रहा है। बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। अगर इसे ऐसे ही छोड़ा तो हमारे बीच आग लगा देगा। जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। क्या भाई लोग, क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज क्या? नहीं, हम तो स्विमिंग कर रहे हैं। स्विमिंग? सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? वैसे भी इसको मैंने कहीं देखा है क्या? घूम फिर कर वहीं आ जाता है। हाँ, देखा है देखा है। हाँ, देखा है ना? वैसे भी कहाँ देखा? रामेश्वरम में। हाँ, 1947 में नमक सत्याग्रह के दौरान आप, गांधी जी और मैं, हम सब लोग मिलकर क्रिकेट भी खेले थे, याद है ना आपको? क्रिकेट खेले थे? अरे तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। हुए थे सर। अरे नहीं हुआ था यार। हुए थे सर, आप भी और मैं भी क्रिकेट खेले थे। नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा था। कहाँ देखा था? हाँ देखा था। कहाँ देखा था? आपने आईने में देखा था? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने, आईने में ही देखा था। लेकिन आईने में देखूंगा तो मैं खुद ही दिखूंगा ना, राजा कैसे दिखेगा? ये तो सोचने वाली बात है। हेलो, इस तरह सोचने से कुछ भी पता नहीं चलेगा सर। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचिए। और थोड़ा ध्यान लगा कर सोचूं? ऐसे। राजा, ये सच में 5-star होटल ही है क्या? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर स्टार नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? स्टार अभी तुम्हें नजर नहीं आएंगे बेटा। तो कभी आएंगे? वेटर जब बिल लेकर आएगा ना, तब तुझे नजर आएंगे। बताना भूल गया था, बैंगलोर की पार्टी ने पैसे भिजवाए उसे बैंक में। राजा, यहाँ पर भी पैसे की बात करना जरूरी है क्या? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? हाँ राजा, जब देखो पैसे की बातें करते हो, सिस्टर से दो अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? यू डोंट लाइक इट, नो प्रॉब्लम। देखो राजा, मुझसे जुड़ी किसी भी बात का फैसला करने का तुम्हें पूरा अधिकार है। जब तक तुम मेरे साथ हो, सब तुम ही देखोगे। ओके ओके, फिर भूल गया, मीटिंग के लिए देर हो रही है, चलो। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो, ये खाना कौन खाएगा? तू ही खा ले, भरपेट खाने के बाद जब बिल चुकाएगा ना तो तारे नजर आने लगेंगे, समझाया? जाइए जाइए। तुम दोनों को इस तरह खुशी खुशी एक साथ जाता देखकर मेरी नजर भी तुम्हारे साथ चल पड़ी है। कहाँ जा रही है? हाँ ये अच्छा खेल रहे थे, इसी वक्त फोन आना था। आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो दीदी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, तू ठीक तो है ना? ठीक हूँ दीदी,
बाय द वे, जब मैं लास्ट टाइम इंडिया आया था तब जीजा जी ने मुझे अंजलि से शादी करने के लिए कहा था। अच्छा, अंजलि से शादी करने का मैं दिल से फैसला कर चुका हूँ। क्या सच? हाँ दीदी। ओके, मेरे इंडिया आते ही शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहना। कह दूंगी, रखती हूँ। सुनिए सुनिए जी, क्या हुआ, इतना खुश? बात ही कुछ ऐसी है, संजय का कनाडा से फोन आया था। सुनिए जी, क्या है? हम सब यहाँ आ गए हैं ना, तो अब इस घर में उस राजा का क्या काम, उसे यहाँ से निकाल दीजिए। चेचे, ऐसा क्यों बोल रही हो? अंजलि आज जहाँ है वो राजा के कारण है। कुछ भी मत कहिए, अपनी अंजलि में टैलेंट था, अपनी मेहनत से वो सिंगर बन गई। बीच में उस राजा ने कौन सा बड़ा तीर मारा है, और वैसे भी ऐरे गेरे लोगों को घर में रखकर कितने दिन खिलाएंगे। बंद करो, इस बंगले में वही एक आदमी तुम्हें भारी लग रहा है, और कभी दोबारा बात मत करना, अंजलि सुनेगी तो बुरा मानेगी। हाँ, कुछ भी कहकर मेरा मुंह बंद करवाना आपको बहुत अच्छी तरह आता है। इस घर में जो भी हो रहा है मेरे खाते सह लो राजा, प्लीज। ठीक है। आप क्या कहेंगी दीदी? मैं सब संभाल लूंगी, तुम चुपचाप चलो। और कितनी देर पढ़ोगे, आप सो भी जाओ यार। राजा जी, कहिए। दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि राजा जागता होगा। वो क्या है ना राजा, कल सुबह संजय कनाडा से आ रहा है, यहाँ जितने बेडरूम है उसमें हम सोते हैं, तो संजय के लिए कोई बेडरूम। झोपड़ी में रहने वाले अब एसी रूम में रहने लगे, तो फॉरेन से आए हुए संजय को एसी रूम की जरूरत नहीं होगी। जी ठीक है, संजय सर इसी रूम में रह सकते हैं। तुम लोग कहाँ रहोगे राजा? हमारा स्टोर रूम खाली पड़ा है, उसमें ही रह लेंगे। क्या स्टोर रूम में? इसमें बुराई क्या है, इनके लिए स्टोर रूम भी बहुत बड़ा है, क्यों है ना राजा? बिल्कुल, हम स्टोर रूम में रह लेंगे। देखो राजा, कहीं मैंने आप लोगों को जबरदस्ती रूम से निकाल दिया, ऐसा अंजलि को लगेगा, इसीलिए अगर वो पूछे तो। हमें एसी में तकलीफ होती है, इसलिए हमने रूम खाली कर दिया, ऐसा कह दूंगा। मैंने कहा था ना राजा बहुत अच्छा इंसान है। हाँ दीदी। मुझे लगता है कि इस घर के लोग अंजलि का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। हेलो संजय। हाय जीजा जी, आप ठीक है ना? हेलो जीजा जी। हाय अंजलि। हाय। तुम कैसे हो नहीं पूछूंगा, क्यों पता है? क्योंकि मैं फॉरेन में रोज तुम्हारे गाने सुनता था। थैंक यू। वेलकम। ए संजय बाबू आ गए, चल। रुको, कहाँ जा रहे हो? संजय बाबू आए हैं। पहली बार अंजलि और संजय एक साथ इस घर में कदम रख रहे हैं, इस तरह उनके सामने जाने से किसी का कुछ भला नहीं होगा। आज से अंजलि के आगे पीछे मंडराते मत रहना, संजय पूछे तो कहो मैं मैनेजर हूँ। चलो। कम 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 ऑन। क्या रे लड्डू, ठीक से पढ़ रहा है ना? वाओ, हे यू आर राजा।
हाय राजा। मेरे हाथ नो प्रॉब्लम यार। हाय बालू। बाय द वे तुम्हारे गणेश भगवान कैसे हैं? तो क्या गणेश भगवान इसी घर में सेटल हो गए? जाने दीजिए ना। राजा तुमसे और भी बातें करनी है, बातें मिलते हैं। ओके बाय। संजय ये लायंस क्लब वाले ने डिजाइन किया है। हाउ इज इट? या इट्स फाइन। राजा मिर्ची के पकौड़े बनाने में तुम एक्सपर्ट हो ना? मेरे लिए बनाओगे ना? ठीक है। ओके थैंक यू। ये क्या राजा ये सब इन्हें कैसे पता? यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। चल चल। कम इन। हे राजा। वाओ इतनी जल्दी बना दिया। कम कम। क्या टेस्टी है। जस्ट लाइक योर हार्ट। अरे अभी पानी लेकर आता। राजा राजा कम कम कम। पानी नहीं चाहिए। दारू। दारू चाहिए। दारू और नहीं तो क्या। ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े खाते वक्त साथ में दारू मिल जाए तो कितना मजा आएगा पता है? जाओ जल्दी से एक विस्की की बोतल लेकर आओ। और हाँ ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अंजलि को। ओके या बी केयरफुल। ठीक है। बिकॉज़ की स्पेलिंग क्या है? लेकिन क्यों नहीं करते? BECA भैया मैं पागल नहीं हूँ भैया, कल्याणी के गले में मंगलसूत्र नहीं है। पकड़े जाओगे पकड़े जाओगे। हाँ पकड़े जाओगे। हाँ पकड़ लिए जाओगे। बच गया। उसे देखो तो ऐसा लग रहा है कुछ छुपा के ले जा रहा है। और क्या होगा दीदी, दारू की बोतल होगी। अगली बार ठीक से बोलना। सुनो बेटी तुम समझती हो कि राजा बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपनी मनमानी करता फिरता है। क्या किया उसने? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तू बता। क्या बताऊं अंजलि, घर में इतने सारे लोग होते हुए भी शराब की बोतल संजय के रूम में लेके जा रहा था। अगर तुम ध्यान नहीं दोगी तो पता नहीं आगे। आगे तुम्हारी मर्जी, चलो जया। बैठो। चेयर पर बैठो। कोई बात नहीं सर। कम ऑन हैव इट। नहीं सर। पी लो यार, सिर्फ आज के दिन मेरी कंपनी के लिए। नहीं सर, अंजलि जी को पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। अंजलि को मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, पी लो। सॉरी सर, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाथ काटने के लिए कहेंगे तो हाथ काट लूंगा, ऊपर से कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाऊंगा, लेकिन इसे पीने के लिए मत कहिए सर। इट्स ऑल राइट। अच्छा एक गाना तो सुनाओ। गाना और मैं? नहीं सर, तुमने अभी तो कहा मेरे लिए कुछ भी करोगे। गाओ। ठीक है। दिल पे मेरे प्रिय तूने आ आ ई ई लिख दिया, तना ना 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 ने ना ने 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 ना 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 ना, तना रे तना ना ना ना, या 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 है तना ने तना। द हाउस इन द विलेज। तुम पढ़ती रहो। दिल पे मेरे प्रिय तूने आ आ ई ई लिख दिया, प्यार का ऑल द वर्ड्स मेरे दिल में भर दिया। इधर देखो, प्यार तुझको भी हो गया है, हया हया है। दिल पे तुम पढ़ती रहो, मैं अभी आई। तूने लिख दिया हे तना ना 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 ना। ये मेरा घर है, मच्छी मार्केट नहीं है। बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, इतनी भी समझ नहीं है आप में? ये क्या बदतमीजी है? इतने बड़े होकर भी छोटे छोटे बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं। किसी को बिगाड़ नहीं रहा है, शराब मैंने पी है। मैंने उसे कितना कहा मगर वो पीने से इनकार करता रहा, पता है किस लिए? क्योंकि तुम्हें बुरा नहीं लगा। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, नहीं भक्ति करता है। राजा की नजर में तुम एक देवी हो। गलती मैंने की है, जो कहना मुझे कहो, उसे कभी कुछ मत कहना। क्यों पता है?
तुम्हें दुख हो तो ये उसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या बाबू राव, क्या कर रहे हो? संजय बाबू का कोट प्रेस कर रहा हूँ। तुमसे ये काम नहीं होगा, चलो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? काम करने के लिए मैं हूँ ना। अरे तुम रहने दो, तुम्हें ये कपड़े प्रेस करने नहीं आएंगे। और संजय बाबू को क्या चाहिए ये मैं संभाल लूंगा, जाओ जाओ जाओ। ये फिर से टपक गया। हंसते हंसते टिंग 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 कट जाए रसते टिंग टिंग टिंग। राजा इस्त्री कर रहे हो क्या? नहीं, डांस कर रहा हूँ। बदमाश, तुम मुझसे मजाक करते हो? ऐसा ही मजाक तुमने मुझसे कहीं और किया था ऐसा लगता है। तुम्हारा नाम राजा है क्या? नहीं। फिर क्या है? श्री वीर वेंकट सूर्य सुब्रमण्यम शिव शंकर श्रीनिवास रामकृष्ण प्रसाद, और प्यार से राजा कहते हैं। ये क्या बात हुई? तुम्हारा नाम श्री वीर वेंकट सूर्य सुब्रमण्यम शिव शंकर श्रीनिवास रामकृष्ण प्रसाद है तो फिर राजा क्यों कहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आपने मुझे देखा हो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसी बात है क्या? नो, मैंने तुम्हें कहां देखा है? ज्यादा सोचिए मत, जाकर बर्नौल लगाइए, जाइए बर्नौल 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 लगाइए। राजा को समझता क्या? ए राजा, मेरे कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रहे हो? बाबूराव है ना? चलता है सर, आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी देर में आपका कोट चकाचक हो जाएगा, मैं कर रहा हूं ना, आप जाइए जाइए सर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ। राजा, आई लाइक यू। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और संजय फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम भी चलो। दो और जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ। क्या राजा, कहाँ जा रहे हो? अंजलि फिल्म दिखाने ले जा रही है, वो इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। देख रहे हो राजा? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। ये क्या है? मुझे डर है कि आप लोगों को कहीं मेरी नजर न लग जाए, इसलिए पहले से आपकी नजर उतार देता हूं। आप लोग कार में जाके बैठिए, मैं अभी आता हूं। हाँ। रुको, तुम्हें अकल नहीं है क्या? उनकी शादी होने वाली है, दोनों अकेले में वक्त बिताने के लिए फिल्म देखने जा रहे हैं, और तुम हो कि कबाब में हड्डी बन रहे हो। माना कि उन्होंने तुम्हें प्यार से बुलाया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बेशर्मों की तरह उनके साथ चले जाओ। बेशर्म लोग ये क्या जानेंगे। छिछी, चलो। कहाँ थे इतनी देर? चलो जल्दी बैठो। आप लोग जाइए। क्यों? प्लम्बर को बुलाया है, मोटर रिपेयर करवानी है। वो काम बाद में भी हो सकता है, तुम जल्दी बैठो। नहीं, वो बहुत बिजी है, अगर अभी काम नहीं करवाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिल्म का क्या है, बाद में भी देख सकते हैं। आप लोग जाइए प्लीज। ओके, ऑल राइट, बाय। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अच्छे बेटे हो ना, एक बार बता दो कहाँ देखा था उसे।
अरे तुमसे विनती करता हूँ, एक बार बता दो ना बेटा, कहाँ देखा था उसे? क्या बेटा, क्या हुआ? वो रिमोट कंट्रोल कार लिखे है ना? सोच सोच कर आपने अपना दिमाग तो खराब कर लिया, अब बच्चे का भी दिमाग खराब कर रहे हैं। जानते हैं गेहूं पिसाने से आटा बनता है, आटा पिसाने से गेहूं नहीं बनता। क्या, एक बार फिर से कहो। गेहूं पिसाने से आटा बनता है, आटा पिसाने से गेहूं नहीं बनता। बीड़ी पीने से धुआं निकलता है सर, धुएं से बीड़ी नहीं निकलती। समझ गया, वो कौन है? मैं समझ गया, वो एक बहुत बड़ा चोर है। समझ गई, उसने रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप पर तुम्हारी जेब काटी होगी, यही बात है ना? हे भगवान। चल चिंटू, तू खाना खा ले। माणिक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेम साहब सिंगापुर जा रही है ना? ये लो, ये कैसी लिस्ट है? अंजलि सिंगापुर जा रही है ना, मुझे जो चाहिए उन सामानों की लिस्ट बनाई है। बाय द वे, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो इसमें लिख दो। एक लेटेस्ट मेकअप किट फॉर रिमोट कंट्रोल कार लिखी है ना? और वीडियो गेम्स लिखना तो नहीं भूला ना? सिंगापुर सारीज, कॉस्टली परफ्यूम्स लिख रहे हैं ना? अरे वही तो लिख रहा हूँ। सब अपनी अपनी लिस्ट जल्दी लेकर आइए। हाँ ला रहे हैं, थोड़ी चीजें बाकी है। अंजलि फ्लाइट का वक्त हो रहा है, कम ऑन गेट रेडी। हाँ हाँ सब हो गया। सबकी लिस्ट रेडी हो गई क्या? हाँ रेडी हो गई लिली। ये लो अंजलि लिस्ट। हाँ और संजय तुम्हें? मुझे लेटेस्ट वीडियो कैमरा विद ज़ूम लेंस। ओके ओके। बेटी हमें जो चाहिए लिस्ट में लिख दिया है। ठीक है। चलती हूँ राजा। ठीक है। मैंने कार इंश्योरेंस का चेक रूम में रख दिया है, जाकर कंपनी में दे देना। ठीक है। चलती हूँ बालू। हाँ। चलती हूँ पिताजी। बाय 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 बाय। अंजलि। हाँ। सबको क्या चाहिए तुमने पूछ लिया, लेकिन राजा को क्या चाहिए नहीं पूछा। सॉरी राजा। कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए वहां से क्या लेकर आओ बोलो। चलती है। दीदी अंजलि को ड्रॉप करके वहीं से फ्रेंड के घर में खाना खाकर आऊंगा। बाय। क्या सोच रही हो अंजलि? बात ही कुछ ऐसी है, घर वालों ने अपनी जरूरत की हर चीजें लिख कर दे दी, लेकिन राजा ने क्या लिख कर दिया पता है? क्या लिखा? अपना ख्याल रखिए और बहुत नाम कमा कर आइए। व्हाट अ नाइस पर्सन। जल्दबाजी में तिजोरी बंद करना भी भूल गई। उइमा उइमा उइमा, सुनते हैं जी? अजी जल्दी आइए, जया शंकर जल्दी आओ, यहाँ क्या हो रहा है अपने आंखों से देखो। क्या हुआ? क्या हुआ मुझे क्या पूछ रहे हैं? सबके आंखों में धूल झोंक कर देखिए तो सही क्या कर रहा है। देख लिया ना तुमने? नहीं। क्या नादान बनने का नाटक कर रहा है, तुम जैसा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं वो यहाँ अंजलि कब यहाँ से जाएगी, इस मौके का इंतजार करता रहा और उसके जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा, वरना ही भाग जाता। नहीं जी, मैं चोरी नहीं कर रहा था। रास्कल, अंजलि ने तुम्हें इस घर में रहने की जगह दी और इसी घर में तुम्हें चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? सर वो
अंजलि जी ने मुझे चेक लेने के लिए कहा था, उसे लेने के लिए आया था तो टेबल पर अंगूठी रखी हुई थी, उसी को लॉकर में रखने के लिए गया तो। मुंह बंद करो, किसे सुना रहे हो ये झूठी कहानी? अंगूठी टेबल पर पड़ी हुई थी और ये महाशय उसे लॉकर में रख रहे थे, क्यों हमें बुला नहीं सकते थे क्या? वो आप लोग यहाँ नहीं थे इसीलिए तूने चोरी का काम शुरू किया। ए, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, उस दिन रेलवे स्टेशन पर मेरा बैग लेकर तू ही भागा था ना। वो पहले की बात है, अब मैं बदल चुका हूँ, मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, पूरी तरह छोड़ दिया। इसकी बातें क्या सुन रहे हैं, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, भाग यहाँ से। इस घर में जो भी हो रहा है मेरे खाते से सहलो राजा, प्लीज। सॉरी, अंजलि को बताए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब अंजलि का बहाना करके नाटक क्यों कर रहा है, चल भाग यहाँ से, चल भाग, निकल यहाँ से। ए, तूने मेरे राजा पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं। ए बालू, नहीं रुक जा, प्लीज बालू। उस दिन अंजलि जब बीच रास्ते पर आ गई थी तब तुम लोग सब कहाँ मर गए थे? हाँ, चोर चोर कहकर तुमने भगवान जैसे इंसान को गाली दी है। अगर कल यही राजा ना होता तो तुम्हारी अंजलि के पास धन दौलत कहाँ से आती? हाँ, पैसे आते ही हाथ फैला कर भीख मांगने चले आ गए। हाँ, हमारे आगे तुम लोगों की कोई औकात भी है क्या? ओए माँ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। एक तो दिन दहाड़े घर में चोरी कर रहा है और कुछ पूछने पर दूसरा तो सीधा मारने ही चला आ रहा है। हम यहाँ अपनी बेटी की घर गृहस्थी सवारने आए थे, इन चोरों की गालियाँ सुनने नहीं। हम इतने गिरे हुए नहीं है जो इनकी बातें सुनकर यहाँ पड़े रहे। चलिए यहाँ से। रुकिए, ये आपका ही घर है, आप लोगों को यहाँ से निकालने वाले हम कौन होते हैं? मेरी वजह से आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं रहिए, हम ही चले जाते हैं। ये चेक रख लीजिए। फिलहाल तो मेरे पास एक भी कमरा खाली नहीं है, अगर तुम्हें घर चाहिए तो पहले बुकिंग करा के 2 साल बाद आना, सोच के बताऊंगा। कितने साल बाद? 2 साल के बाद। क्या करके बताओगे? सोच के बताऊंगा, बोला ना। अबे तेरी तो, तुम्हारी ये सड़ीली जगह, उसमें एक सड़ा कमरा और उसका भाड़ा, चलो राजा इसके अलावा कोई कमरा नहीं मिलेगा क्या? बचाओ काम के नीचे, सोच कर बताएगा कहता है। बाल बाल बचा बला टली। नो, ये नहीं हो सकता, राजा ऐसी हरकत नहीं करेगा। हमें पता था तू हमारा यकीन नहीं करेगी, अगर हम पर यकीन ना हो तो अपने पिताजी से पूछो। पिताजी, सच कहिए पिताजी, क्या राजा ने वाकई में चोरी की है? मैं भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन यही सच है। Thank you.
प्रमुख गायिका कुमारी अंजलि को राष्ट्रपति पुरस्कार। आने वाली 3 तारीख को दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उनका सम्मान करने वाले मुख्य अतिथि होंगे श्री अंजलि को राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। क्या हुआ पिताजी, राजा का कहीं पता चला? नहीं बेटी, वो जिस कॉलोनी में रहता वहां भी पता किया, वहां पर भी नहीं है, शायद वो कहीं दूर चला गया। ये क्या, अपने होने वाले पति के बारे में सोचने के बजाय राजा राजा करके उस चोर की कितनी फिक्र किए जा रही है। देखो, अगर तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी है तो आज के बाद इस घर में राजा का नाम नहीं लोगी, याद रहे। बेटी अंजलि, नेशनल अवार्ड मिलने की वजह से स्टेट फिल्म फैंस एसोसिएशन वाले तेरा सम्मान करना चाहते हैं। आने वाले सप्ताह की डेट मांग रहे हैं, क्या बोलूं? हाँ कह दीजिए पिताजी। वो नहीं बेटी, 3 तारीख को तुझे दिल्ली में अवार्ड मिल रहा है, 4 को तुम इधर आ रही हो, 5 को तुम्हारी शादी है, इस बीच में खाली सिर्फ 1 दिन है, कैसे चलेगा? चलेगा पिताजी, शादी 5 तारीख को है ना, 4 तारीख को तो फ्री हूँ। हाँ कह दीजिए। चल ठीक है, तेरी मर्जी। ओके, 4 तारीख को आपका प्रोग्राम कंफर्म कर लो। ओके। देखो बेटा, इस फंक्शन में हमारे परिवार के बारे में बहुत सी अच्छी बातें बताना। हाँ, इसके अलावा तुम संजय से शादी कर रही हो, ये भी बात बताना, भूलना मत। ठीक है। चलो। भाइयों बहनों, आप सभी का इस फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में स्वागत है। श्रीमती कुमारी अंजलि ने इस फिल्म जगत में अपनी आवाज को कम समय में एक नई पहचान दी है। आज इनको इनकी गायकी के लिए नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी सुनकर इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी खुश हो जाते थे, लेकिन आज खुद कृष्ण भगवान यहाँ आकर अंजलि का गाना सुने तो केवल खुश नहीं होंगे बल्कि नृत्य करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ए बालू, वो लोग हमारी अंजलि के बारे में बात कर रहे हैं, अंजलि का सम्मान किया जा रहा है। नाम भी मत ले उसका, उसके बाहर गांव से लौटते ही उसने एक बार भी हमारा हाल जाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी शादी की खबर भी और लोगों की तरह हमें भी अखबार पढ़कर पता चली। अंजलि कहता है, अंजलि ए, मेरी बात तो सुन। बस भी करो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? उन्होंने हमें चोर बनाया, हमारी बेइज्जती की और हमें घर से बाहर निकल दिया, अब किस मुंह से उसका सम्मान देखने जाओगे? ए, तू तो जानता है रे, हमारा सपना था कि अंजलि बहुत बड़ी सिंगर बने, इसके लिए हमने कितनी मेहनत की, और आज जब अंजलि का सम्मान किया जा रहा है, वहां हम ना हो तो उसे कैसा लगेगा? ए, मना मत करना, इस भीड़ में किसी भी कोने में खड़े होकर देख लेंगे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मना मत करना यार। ठीक है चल। कहाँ जा रहा है? जी यहाँ सम्मान हो रहा है। सम्मान देखने जा रहा है कि लोगों की जेब काटने जा रहा है? नहीं हम सच में। चुप कर, अब हमारे एसआई साहब तुझे ठीक करेंगे। चल, ए, कांस्टेबल इधर आ। लेकिन सर उन्हें जाने दो। आप इन्हें, ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी, आप जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी जरूर अवार्ड पाकर रहेंगे, आज मैं ये बात गारंटी के साथ कहता हूँ। दरअसल ये सम्मान जो अंजलि जी पा रही है उसके असली हकदार इनके माता पिता है, क्योंकि उनकी काबिलियत को पहचानने वाले और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले वही हैं।
उपस्थित लोगों, लड़की के पैदा होते ही उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ मानने वाले आजकल के जमाने में बचपन से ही अपनी बेटी की कला को पहचान कर उसे हिंदुस्तान की एक महान गायिका बनाने के उद्देश्य से कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को उन्होंने इस बुलंदी पर पहुंचाया, ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि वो माता पिता कितने महान हैं। और इस तरह माता पिता का त्याग और उनके प्रोत्साहन से अंजलि जी आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। उपस्थित सज्जनों, ऐसी महान गायिका हमारे देश की शान कुमारी अंजलि और उनके पूज्य माता पिता का और उन्हें प्रोत्साहित करने वाले तमाम लोगों का मैं अपनी संस्था की ओर से आदर करता हूं और अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे इंतजार की घड़ी खत्म होती है। अब कुमारी अंजलि जी चार शब्द कहेंगी, उसके बाद हमारे एसोसिएशन की तरफ से उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। नमस्कार। जिन महानुभवों ने मेरे बारे में कहा कि मेरी जिंदगी एक फूल की तरह है और मैंने अपनी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देखी, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, एक वक्त ऐसा भी था जब ठोकरों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। तालाब में पली बड़ी मछलियों को समुंदर क्या है ये पता नहीं होता, तो तालाब ही उसकी दुनिया होती है। यह अंजलि भी वैसी ही है। मेरी भी बड़ी आशा या सपने कुछ नहीं है। आसमान में उड़ती हुई पतंग सबको अच्छी तरह से दिखाई देती है, लेकिन उससे जो बंधी हुई डोर होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती। आज इस मकाम पर पहुंची हुई अंजलि के बारे में आप सबको पता है, लेकिन इस मकाम पर मुझे पहुंचाने वाले उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ मुझे पता है। अभी इन महानुभवों ने कहा मुझे यहाँ तक मेरे माता पिता, मेरे करीबी लोगों ने पहुँचाया, लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि तालियां बजाकर तारीफ करने वालों को हम भूल सकते हैं, लेकिन जो हाथ थामकर हमारी जिंदगी संवारता है उसे भुलाया नहीं जा सकता, है ना? मैं गा सकती हूँ या नहीं, जब ये बात मुझे खुद को पता नहीं थी तब मेरे अंदर की कला को पहचान कर मेरे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके उसने मुझे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया और खुद मेरी जिंदगी से निकलकर कहीं खो गया। वो शख्स कौन है आपको पता है? जो पहले मुझे एक चोर के रूप में मिला उसे वाल्मीकि के रूप में देखना चाहा, लेकिन इस पत्थर को अहिल्या बनाकर खुद श्री राम बन गया। वो कौन है पता है? मिस्टर राजा। आसमान से गंगा माँ को धरती पर लाने वाले श्री भगीरथ थे और मुझे धरती से उठाकर आसमान तक पहुंचाने वाला देवता यही राजा है। मेरे लिए जितनी तालियां बज रही हैं सब उनके लिए बजनी चाहिए। मुझे जो हार पहनाए जा रहे हैं सब उनके चरणों में होने चाहिए। ये सम्मान, ये सत्कार, ये सब मेरे लिए उनकी दी हुई भीख है। आप जो मुझे अवार्ड दे रहे हैं अगर वो उनके हाथों से मिले तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो ये अवार्ड मैं राजा के हाथों से लेना चाहूंगी। वो यही है क्या? यही है, यही कहीं है। सबके सामने आने में उन्हें संकोच हो रहा है, इसलिए लोगों के बीच कहीं दूर खड़े हैं। मिस्टर राजा, ये अवार्ड मैं आपके हाथों से लेना चाहती हूँ। आप यही है, मैं जानती हूँ, मैं आपको देख रही हूँ। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। प्लीज राजा आइए,
आइए राजा, मैं आपको देख रही हूँ, प्लीज राजा। जाओ राजा, जाओ, जाओ राजा, जाओ राजा, जाओ, जाओ राजा, जाओ राजा। इस अवसर पर मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती हूँ। कल सुबह मेरी शादी होने वाली है। शादी का मतलब अपने लिए किसी जीवन साथी को सिर्फ चुनना नहीं होता, साथ निभाना भी होता है। इसलिए आप सबके आशीर्वाद से मुझे इतनी अच्छी जिंदगी देने वाले इस राजा के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुकी हूँ। क्या बात कर रही हो बेटी? हाँ पिताजी, जब मुझे पता चला कि राजा के दिल में मैं हूँ, तभी मेरे दिल में भी सिर्फ राजा है इस बात का मुझे एहसास हुआ। जिसने मुझे अपनाने के लिए 3 महीने लगा दिए, वो संजय बड़ा है? या मुझे जाने बिना जिसने मुझे अपना माना, जिसने मुझ पर अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, वो राजा बड़ा है? आप ही बताइए पिताजी। इतने दिन राजा मेरी खातिर जीता रहा, मेरी जिंदगी को अपनी तकदीर समझता रहा। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कोई गुनाह तो नहीं है ना पापा? एक लड़की को काबिल पति मिलना एक आम बात है, लेकिन पत्नी को काबिल बनाने वाला पति मिलना किस्मत की बात है। सच में तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया अंजलि, बेस्ट ऑफ लक। I like it. जागा।